गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एम सौरभ कुमार पांडे तो ग्रेट पर्सनैलिटी सीरीज जो हम uh, शुरू किया था हमने हाल ही में अब उसका अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है तो कंफर्म करें फिर हम आगे बढ़ें ऑडियो वीडियो यदि क्लियर है तो बताएं फिर हम आगे प्रोसीड करें इसको बिल्कुल ठीक है ओके देखिए तो आ, ग्रेट पर्सनैलिटी सीरीज के नाम से हमने बात शुरू की थी पहला जो पर्सनैलिटी परस्टनेल, हमने डिस्कस किया गांधी जी के बारे में उनके दो लेक्चर हमने कवर किए कुछ बच्चों के आ, कुछ डाउट और भी लास्ट में आ रहे थे कि सर थोड़ा सा डिस्कशन और होना चाहिए था पर टाइम क्योंकि कम पड़ गया पहला ही लेक्चर हमारा पौने दो घंटे के आसपास था और दूसरा लेक्चर भी दो घंटे के आसपास तो पौने चार घंटे तो ऑलरेडी हो गए थे तो टाइम का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था उसमें जैसे एक आध लोगों का कमेंट था सर पटेल और नेहरू वाला इशू थोड़ा सा और डिटेल में तो आगे जो अभी अभी तो सीरीज जस्ट स्टार्ट हुई है जब हम और पर्सनैलिटीज कवर करेंगे तो वो सारे पॉइंट भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका कोई कंसर्न है वो सब डिटेल में आ जाएगा जैसे एक बच्चे ने वहाँ भी मूवमेंट में बात की या एक ने पटेल नेहरू के ऊपर बात की तो वो एक एक करके पर्सनैलिटीज जब हम कवर करेंगे तब एक एक साथ एक साथ मतलब एक ही लेक्चर में सारा तो नहीं हो सकता हर पर्सनैलिटी के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है ठीक है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें जब जैसे जैसे पर्सनैलिटीज कवर होते जाएंगे उसके बाद भी यदि कोई कंसर्न रह जाएगा तो हम डिस्कशन कर सकते हैं उसके ऊपर ओके स्टूडेंट्स तो आज हम अपना जो दूसरी पर्सनैलिटी गौतम बुद्धा आज का टॉपिक हमारा गौतम बुद्धा के बारे में गांधी जी की लाइफ में गौतम बुद्धा और महावीर इनका भी प्रभाव बहुत देखने को मिलता है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जैसे जैसे आगे लेक्चर पूरे होते जाएंगे आपको और भी चीजें कनेक्ट कर पाओगे आप कई चीजों को एक दूसरे से जोड़ पाओगे गांधी जी की जीवन शैली में भी आपको इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है बुद्धिज्म का भी जैनिज्म का भी तो एक एक करके हम टॉपिक आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हमारा देखो टाइटल ही क्या है टाइटल ही है बुद्धा और बुद्धत्व जिस व्यक्ति ने ज्ञान को पा लिया है इनलाइटनमेंट हो गया है जिसका वो व्यक्ति है बुद्ध और जो उसने पाया है वो है उसका बुद्धत्व बुद्ध और बुद्धत्व में क्या अंतर है जैसे मान लो मैंने अगर इन्लाइटनमेंट पा लिया तो एज ए पर्सन बुद्ध कहा जाएगा बुद्ध कोई नाम नहीं था उनका जिस व्यक्ति ने एनलाइटनमेंट कर लिया एनलाइटनमेंट पा लिया वो बुद्ध और जो ज्ञान उसने पा लिया है वो बुद्धत्व बुद्धत्व एक ऐसी चीज है कि कई जो देवता हैं उनको भी नहीं मिल पाया इवन जैन धर्म में तो अगर आप देखोगे जैन धर्म में जिना शब्द यूज होता है जिना जिसने ज्ञान पाया है जिना बोलते हैं वहां जिना को गॉड के कंसेप्ट से भी ऊपर रखा गया है तो आप ये समझें कि एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व तो देवताओं को भी नहीं मिल पाया ये इतनी बड़ी चीज है अपने आप में तो आप यही हमारा डिस्कशन शुरू होगा बुद्धा और बुद्धत्व ये टॉपिक हमारा दो पार्ट है इसके एक पार्ट होता है हिस्ट्री का पार्ट वेस्ट वाले लोग तो हिस्ट्री के ऊपर बड़ी चर्चा करते हैं कि उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्धा किस दिन पैदा हुए किस घर में पैदा हुए टाइम कितना बज रहा था तो उनको इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है जबकि स्पिरिचुअलिटी या फिलासफिक किस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि बुद्धा ने कहा क्या है उसके पीछे का उनका मोटिव क्या है समझाना सिखाना क्या चाह रहे हैं उनके टीचिंग्स क्या है फैक्चुअल डाटा तो ठीक है फैक्चुअल एग्जाम में आता है सर कहाँ पैदा हुए उनके पिता कौन थे ये तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है पर इससे आपकी लाइफ में कोई अपलिफ्टमेंट कोई चेंज आ रहा हो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल एंगल जानना जरूरी है तो बुद्धा में दो पार्ट एक तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ गया मल्टीपल स्टेटमेंट आ गया तो हम कर लें जबकि इस यूपीएससी वगैरह में तो जो फिलोसफिकल ओरिएंटेशन है बुद्धिज्म का वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और दूसरा पार्ट इसका आता है जो हमारा स्पिरिचुअलिटी वाला फिलोसफी वाला एक फैक्चुअल पार्ट हिस्ट्री रिलेटेड और दूसरा पार्ट स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म वाला कोशिश करेंगे दोनों पर हम डिस्कस करें तो इसीलिए मैंने दो लेक्चर रखे हैं ताकि डिटेल में बात हो पाए कोशिश करूंगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बता दी जाए बुद्धिज्म और जैनिज्म एक पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको ये हल्का सा एक हिंट दे दूँ बुद्धिज्म भारत बुद्धिज्म की धरती है बुद्धिज़्म यहीं से शुरू हुआ दुनिया में कई जगहों पर फैला पर उसी कंट्री से आज बुद्धिज्म गायब हो गया इंडिया में अगर आप देखो तो बुद्धिज्म जितना प्रमोट हुआ था आज बुद्धिज्म डिक्लाइन कर चुका है उतना बुद्धिज्म आपको कहाँ देखने को मिलता है तो बुद्धिज्म की स्थिति भारत में ऐसी रही बहुत तेजी से बढ़ा और फिर तेजी से गिरा और आज आपको बड़ी मुश्किल से नजर आता है भारत में कहीं जबकि और देशों में चाइना में जापान में और आसपास के देशों में फिर भी दिख जाता है इंडिया जो उसकी भूमि रहा है बुद्धिज्म की वहीं से डिक्लाइन कर गया जैन धर्म स्लोली ग्रो किया स्लोली ग्रो किया और थोड़ा सा स्टडी रहा उसमें उतना शार्प डिक्लाइन नहीं जैन कम्युनिटी आपको आज भी काफ़ी दिख जाती है और व्यापारी वर्ग का जैन समुदाय में आपको व्यापारी वर्ग ज़्यादा दिखता है गुजरात है राजस्थान है मध्य प्रदेश है तो बुद्धिज़्म के को अगर देखें तो बुद्धिज़्म तेजी से बढ़ा और तेजी से डिक्लाइन किया है जबकि जैन धर्म स्लोली बढ़ा और फिर स्टेग्नेंट स्थिति में ज़्यादा डिक्लाइन इसमें नहीं हुआ मतलब अगर मैं खरगोश और कछुए वाली कहानी के हिसाब से चलूं तो बुद्धिज्म खरगोश वाली कहानी को जस्टिफाई कर रहा है और जैन धर्म कछुए की बुद्धिज्म और जैनिज्म को अगर आपको ध्यान रखना हो भारत में स्थिति तो बुद्धिज्म खरगोश की तरह और जैनिज्म कछुए की तरह बुद्धिज्म बहुत तेज बढ़ा पर लास्ट में डिक्लाइन कर गया और जैन धर्म धीरे धीरे बढ़ा पर स्टेगनेंट रहा ज़्यादा कोई गिरावट इसमें नहीं आई पर जैन धर्म भारत में अभी अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको दिखती है इवन माइनॉरिटी स्टेटस मिला भी हुआ है अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको नजर आ रही है जबकि बुद्धिज्म जिस तरह से बढ़ा था वो ग्रोथ हमें नहीं नजर आई बहुत तेजी से उसमें गिरावट दिखी माइनॉरिटीज वगैरह इंडिया में कितने हैं वो सब हम आगे क्रिश्चियन है मुस्लिम है सिख है बुद्धिस्ट है पारसी है जैन है पर बुद्धिज़्म जिस तरह से होना चाहिए था उस स्थिति में नहीं है मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं इसकी शुरुआत थोड़ा हम और बैकग्राउंड से करते हैं रिलीजन के ऊपर आजकल बहुत चर्चा होती है तो उसके बारे में भी कुछ अंदाजा है कि नहीं थोड़ा सा एक आइडिया पहले देखें शुरुआत ही क्यों हुई जैसा कि हम जानते हैं चार वेद हैं चार वेद हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हैं फिर आगे जाके ब्राह्मणाज लिटरेचर अरण्यकाज लिटरेचर उपनिषद ये सब बाद में, शुरू में चार वेद वेदों के लिए कहा जाता है कि आर्यों ने लिखे थे आर्य कौन थे सेंट्रल एशिया से आए थे जो माना जाता है सेंट्रल एशिया से आए थे एक हिस्सा यूरोप की तरफ गया था एक इंडिया की तरफ आया था तो काफी पहले और प्राचीन उसमें चले जाएं तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो शहरी सिविलाइजेशन थी अर्बन सिविलाइजेशन थी उसके जो स्ट्रक्चर वगैरह पाए गए हैं खुदाई वगैरह में कि 90 डिग्री पे रोड मिल रही है ड्रेनेज सिस्टम है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी हड़प्पन्स हड़प्पन्स के बाद आए थे आर्यनस आर्यनस जो थे वो नोमेटिक लाइफ जीते थे नोमेटिक मतलब खाना जैसी ज़िंदगी एक जगह वो सेटल नहीं थे और वो सप्त सिंधव रीजन में ट्रैवल कर रहे थे सप्त सिंधव रीजन का मतलब है इंडस और उसकी सहायक नदियां इंडस चिनाब झेलम सतलज रावी ब्यास और एक रिवर कूभा हुआ करती थी तो सप्त सिंधव रीजन में ट्रैवल करते करते काफी बाद में ये लोग गंगा के नजदीक पहुंचे हैं सिक्स हंड्रेड के आसपास ये लोग गंगा के आसपास पहुंचे थे वेद के लिए कहा जाता है कि आर्यों ने इनको ट्रांसफर किया है एक से दूसरे को पर आर्यों को ये भगवान ने बोले हैं भगवान के शब्द हैं आर्यों को ये शब्द भगवान ने बोले हैं और आर्यों ने फिर ट्रांसफर किए हैं एक से दूसरे को क्योंकि पहले लिखने का तरीका तो था नहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट बहुत बाद में आई है लिखने का जो कंसेप्ट है उस समय बोल का ट्रांसफर किए जाते थे आप कोई पुराने नाटक वाटक देखते हो उसमें भी गुरु बैठे हैं सामने शिष्य हैं वो ज्ञान जो है बोल के ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसा कंसेप्ट चलता था पर अगर आप वेदों को पढ़ें मेरा अपना पर्सनल मानना ये है अगर वेदों को आप पढ़ेंगे आप स्टार्टिंग के दस बारह पेज ही पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा कि ये भगवान तो नहीं लिख सकते कोई एग्री कर सकता है डिसएग्री कर सकता है पर मैं हमेशा कहूंगा एग्री डिसएग्री कुछ भी करना पर आप पहले पढ़ लेना उसको आप दस बारह पेज शुरू के पढ़ लेना आपको पता चल जाएगा कि भगवान के शब्द तो नहीं लिखा इंसान नहीं है इवन चैप्टर्स में लिखा भी हुआ है ऋषि का नाम आप चैप्टर देखोगे उसमें लिखा भी है ऋषि का नाम और उसमें मंत्र दिए हैं जैसे ऋग्वेद की मैं बात करूं ऋग्वेद में दिए हैं मंत्र और मंत्रों का इस्तेमाल होता था देवी देवताओं को खुश करने के लिए जिससे हमारी प्रजा और पशु को फ़ायदा मिले मटेरियल बेनिफिट के लिए उस समय ये कोई देवी देवताओं की पूजा करना कोई ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं था कोई हमें मोक्ष मिल जाए इसका मोटिव ये नहीं था ऋग्वेद वगैरह में जो मंत्र लिखे हैं वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनका पर्पस मटेरियल बेनिफिट के लिए था हमारे प्रजा हमारे पशु की जो पशु हैं उनको चारा मिले दूध अच्छा दे स्वस्थ रहे मतलब देवी देवता प्रसन्न होंगे तो हमारी प्रजा और पशु जो है वो हेल्दी वेल्दी सुखी सुखी रहेंगे और ट्राइबल टाइप का जीवन जीते थे आर्यंस तो मेरा अपना मानना देखो हिस्ट्री कहीं कई कहीं कही लिखा है कि दैविक ओरिजन है डिवाइन ओरिजन है भगवान के शब्द हैं पर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऋषियों के ही लिखे हुए हैं ठीक है किसी चीज़ को हमें पॉपुलर करना हो ज़्यादा तो क्या करते हैं हम लोग भगवान का नाम जोड़ दो तो लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे ठीक है मैन मेड होगा तो लोग क्या पता क्वेश्चन रेज करें जब आप सनातन हिंदू वर्ड यूज करते हैं सनातन हिंदू वर्ड का मतलब है कि आप वैदिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं आप वेदों के समय से बात कर रहे हैं वैदिक कंसेप्ट पर जब आप मंदिर और मूर्ति पूजा की चर्चा करते हैं वो तो बहुत बाद में आया है कंसेप्ट पुराणों में जब आप मंदिर मस्जिद की सॉरी जब आप मंदिर की बात कर रहे हैं या आप मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं वो पुराणों का कंसेप्ट बाद में आया है वेदों के कंसेप्ट में मंदिर मंदिर और इसकी पूजा बात नहीं थी वेदों में तो यज्ञ का कंसेप्ट था उस समय जो कंसेप्ट था भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ का कंसेप्ट हुआ करता था तो जो मंत्र वगैरह यहां पर जो वैदिक कंसेप्ट है वहां पर मंत्रों की बात है यज्ञ का कंसेप्ट आया है पुराणों में बाद में मंदिर और मूर्ति पूजा का कंसेप्ट आया ये बाद में है तो सनातन हिंदू जब हम बात करते हैं वर्ड तो वैदिक कंसेप्ट की हम बात करते हैं जबकि नॉर्मली अगर लोगों को बोलोगे कि हिंदू धर्म से आप क्या समझते हो तो कहेंगे मंदिर और मूर्ति पूजा ये तो बहुत बात की बात है सनातन कंसेप्ट जब आप जोड़ दोगे तो वैदिक कंसेप्ट की बात करोगे ठीक तो ऋग्वेद में दिए हैं दस चैप्टर जिनको मंडलाज बोला जाता है ऋग्वेद में दिए हैं मंडल दस मंडलाज चैप्टर्स जिसमें से ऋषि और उनके परिवारों की कहानियां हैं ऋषियों और उनके परिवारों की कहानियां जैसे थर्ड मंडल आप देखोगे थर्ड मंडल ऋषि विश्वामित्र के बारे में गायत्री मंत्र वहां पर दिया हुआ है अब मंत्र तो लिखे हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए मंत्रों को बोला कैसे जाए तो मंत्रों को बोला कैसे जाए तो सामवेद जो है म्यूजिक देता है हमें कि मंत्र जब बोले जाते हैं टोन के साथ बोले जाते हैं वो सामवेद ने बताया मंत्रों को उच्चारण करने के लिए यज्ञ करने के लिए रिचुअल्स क्या होने चाहिए नियम कायदे क्या होने चाहिए यज्ञ वेदिका जो बनाई जाती है स्क्वायर ही क्यों होती है मुहूर्त देकर क्यों यज्ञ किए जा रहे हैं तो जो ये मैथमेटिक्स और आपका ये नक्षत्र ये प्लैनेट वगैरह की गणना जो कर रहे हैं मुहूर्त निकाल रहे हैं वो यजुर्वेद से आया है और मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स कुछ ऐसे भी मंत्र जो आपकी बीमारियां ठीक कर दें कुछ तंत्र जैसा कंसेप्ट वो अथर्वेद से आया है इवन आयुर्वेदा का ओरिजिन भी जो है अथर्वेद से है कुछ ऐसे भी मंत्र जो आपकी बीमारियों तक को ठीक कर दें तंत्र वगैरह का कंसेप्टे आपका आयुर्वेद अथर्वेद से आयुर्वेद आया तो चार वेद हैं ऋग्वेद दस मंडल दिए हैं दस चैप्टर दिए हैं मंत्र लिखे हैं उसमें सामवेद मंत्रों को गाना कैसे बोलना है कैसे गाया जाए यजुर्वेद रिचुअल्स क्या फॉलो किए जाएं अथर्ववेद मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स कुछ जादुई तंत्र मंत्र जिससे बीमारियां तक ठीक हो सके इसमें जो ऋग्वेद है ऋग्वेद में ही ऋग्वेद में ही एक जगह दिया हुआ है इसी में एक चीज दी हुई है पुरुष शुक्त इसी में एक चीज दी है पुरुष शुक्त पुरुष शुक्त पुरुष शुक्त से ही आई थी वर्ण व्यवस्था वर्ण सिस्टम वर्ण व्यवस्था जो है पुरुष सूक्त से ही आई थी वर्ण व्यवस्था माइथोलॉजिकल अगर जाएं थोड़ा मतलब जो देवी देवता वाले कंसेप्ट जाकर मैं बात करूं माइथोलॉजी के हिसाब से बात करूं हिस्ट्री तो उसको काल्पनिक बोलेगा पर धार्मिक एंगल से यदि बात करें तो एक कहानी मिलती है कि एक आदि पुरुष हुआ करते थे ऋग्वेद में कहानी का जिक्र है कि आदि पुरुष थे ऋग्वेद में ही दिया है पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था यहीं से निकली है तो आदि पुरुष हुआ करते थे उनके अलग अलग शरीर के हिस्सों से अलग अलग चीज निकली सिर से निकला ब्राह्मण ये सब कहानियां काल्पनिक बोल रहा हूं मैं पहले ही बोल रहा हूं काल्पनिक है ये बनाई मनगणन कहानियां हैं कि यहां से निकले थे ब्राह्मण कंधे से निकला क्षत्रिय पेट से निकला वैश्य और पैर से निकला शुद्र हालांकि शुरू में शुरू शुरू में ये ऊंच नीच का कंसेप्ट वर्ण व्यवस्था में नहीं था ये पूरी तरह से ह्यूमन मैनमेड है जो बाद में क्रिएट किया गया है एक दूसरे से ऊंचा बनने की कंपटीशन जैसे आज के जमाने में भी होती है कि एक दूसरे को ऊंचा दिखाना है अपने से तो वर्ण व्यवस्था जब वहां पर जो जिक्र है वहां पर कर्म के आधार पर बांटा गया है सबका अपना एक काम है सबका काम जरूरी है सबको कर्म के आधार पर बांटा गया है ये वर्ण व्यवस्था थी सबको जो है कर्म के आधार पर बांटा गया है यहां पर ऊंच नीच जैसा कंसेप्ट उस समय नहीं था तो आदि पुरुष वाली जो कहानी मिलती है उसमें मिलता है कि सिर से मतलब जहां बुद्धि वहां से आए ब्राह्मण कंधे से कंधा मतलब जो युद्ध सिक्योरिटी सुरक्षा का काम करना है वहां से आए क्षत्रिय पेट व्यापार संबंधित काम वैश्य वैश्य मतलब व्यापारी वर्ग और पैर से शुद्र ये कहानी ये वहां जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि आदि पुरुष थे उनके अलग अलग हिस्सों से अलग अलग चीजें बनी अब इसको ऊंच नीच में बांट दिया गया कि आदि आदि पुरुष वाली कहानी में ब्राह्मण सिर से निकला तो ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दे दिया दूसरे नंबर पे कंधा छत्री है वो सेकंड हो गया पेट वैश्य तीसरे नंबर पे आ रहा है वैश्य को तीसरा कर दिया शुद्र पैर की तरफ तो उसको चौथा कर दिया जबकि सब काम के आधार पर बटे हुए हैं सबका अपना एक काम है ब्राह्मण का काम है नॉलेज देना वो अपना काम करेगा क्षत्रिय का काम है सुरक्षा देना वैश्य का काम है व्यापार करना शूद्र का काम है मेहनत के काम करना कर्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं थी ये सब बाद में किया है स्टार्टिंग में यहां पर कोई ऊंच नीच का कंसेप्ट नहीं है लिखित में ये नहीं है कि ये ऊंचे ये नीचे ऐसा कुछ नहीं था ये सब बाद में आया अब इसमें हुआ क्या ब्राह्मण का काम था नॉलेज देना टीचिंग वैदिक ज्ञान को ट्रांसफर करना इसमें ये जो ब्राह्मण जो थे इनका काम था वैदिक ज्ञान को ट्रांसफर करना और इन्होंने भाई वैदिक ज्ञान को ट्रांसफर करना ऊंच नीच बताना या हम आपको मोक्ष दिलाएंगे या स्वर्ग की बात करना तो कोई भी सोचेगा भाई यही मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे ब्राह्मण जो है बिना वैदिक ज्ञान के कुछ हमारा होगा नहीं तो ब्राह्मण यज्ञ कराने का काम इनका वैदिक ज्ञान देने का काम इनका तो यज्ञ ये कराएंगे वैदिक ज्ञान जब ये देंगे तभी तो देवी देवता जो है उनका आशीष की वर्षा होगी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स मिलेंगी अच्छी तो ये बैठ गए सबसे ऊपर और इनको पनिशमेंट और टैक्स वगैरह देने से छूट थी ये एग्जाम्शन था इनको एग्जम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट एंड टैक्सेशन और यज्ञ वगैरह कराने के लिए इनको कई सारा पैसा या कोई पैसा मान लो नहीं था सामान वामान दिया जाता था जो भी ज्वेलरी ज्वेल्स वगैरह होते थे रत्न वगैरह होते थे सोना चांदी इस तरह की चीजें तो यज्ञ गाय मिलती थी गाय एक बहुत बड़ा एसेट था उस समय में कैटल्स मिलते थे तो ब्राह्मण जो थे वो वैदिक ज्ञान ट्रांसफर करने का काम करेंगे और ये एग्जामेड हैं ध्यान देना इस पॉइंट पे एग्जेप्टेड फ्रॉम पनिशमेंट एंड टैक्सेशन ना इनको किसी प्रकार की सजा मिलेगी और ना इनको कोई टैक्स देना है ये पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे यज्ञ कराएंगे बदले में इनको गिफ्ट मिलेंगे काउ वगैरह मिलेगी हीरे जवाहरात मिलेंगे तो ब्राह्मण एग्जेमटेड फ्रॉम पनिशमेंट एंड टैक्सेशन इन्होंने ये हो गए ऊपर क्योंकि तो वैदिक ज्ञान ट्रांसफर कर रहे थे क्षत्रिय का काम है शासन गवर्नेंस देना राजा जो होगा उसका काम है गवर्नेंस देना एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स गवर्नेंस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स जब टैक्स वैक्स मिलेगा तभी तो सिस्टम को चलाएगा और टैक्स कैसे वसूलेगा ब्राह्मण को तो टैक्स देना नहीं है क्षत्रिय राजा जो है उसका काम है गवर्नेंस सिस्टम को चलाना और टैक्स कलेक्ट करना मेनली टैक्स किनसे मिलेगा वैश्य लोगों से व्यापारी वर्ग ट्रेडर क्लास जो था ट्रेडर्स जो थे वैश्य जो खेती से संबंधित हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो जो खेती कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं मर्केंटाइल एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उनसे मिलेगा टैक्स तो मेन टैक्स पेयर कौन थे वैश्य लोग थे और शुद्र लोग जो थे इनको मेहनत का काम जैसे हायर्ड लेबर हायर्ड लेबर एग्रीकल्चर में लेबर चाहिए तो एग्रीकल्चरल लेबर एग्रीकल्चर लेबरर, घरों में कामकाज के लिए घरों में कामकाज के लिए रखते थे तो ये अपने आप ही सिस्टम कैसे बनाते गए अब क्या किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन लोगों के लिए कंसेप्ट बना दिया द्विज कंसेप्ट द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बोर्न ये जो शुरू के तीन हैं इनके लिए कंसेप्ट बन गया द्विज 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 शब्द का मतलब होता है ट्वाइस बोर्न जो सैकड़ धागा पहन सकता है इन्हीं को वैदिक ज्ञान पाने की आजादी है शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए वैदिक ज्ञान नहीं शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए वैदिक ज्ञान नहीं होगा उनको वेद का ज्ञान नहीं ले सकती वो और जनेऊ जो होता है सैकड़ थ्रेड पवित्र धागा जो पहना जाता है वो यही तीन के लिए है क्योंकि ब्राह्मण तो ज्ञान दे रहा है ये तो पहले ही इसमें आ गया क्षत्रिय लोग सुरक्षा दे रहे हैं क्षत्रिय लोगों से ब्राह्मणों को बहुत सारे भेंट चढ़ावा मिलता था और वैश्य पेयर है तो इसको भी नहीं छोड़ सकते तो ऐसा सिस्टम बना दिया कि ये तीन जो है द्विज कैटेगरी ट्वाइस बोर्न इन्हीं को सेकड़ थ्रेड पहनने की वो रहेगी इनके लिए अलाउड है प्लस वैदिक नॉलेज शुद्र और वुमेन इनको एग्जेम्प्टेड रखा शुद्र और वुमेन ये दोनों ही शूद्र और वुमेन इन दोनों को ही ना ये वैदिक ज्ञान ले सकते हैं और ना ये जनेऊ पहन सकते हैं सेकंड थ्रेड यूज कर सकते हैं इनको एग्जेम्प्टेड रखा है कुछ कहानियां सुनी होंगी कि, कि किसी शुद्र ने वैदिक ज्ञान छुप के सुन लिया उसके कान में शीशा पर का डलवा दिया कभी ऐसी कहानियां सुनी हो आपने ऐसी घटनाओं को भी जिक्र मिलते हैं इतिहास में तो ये ऊंच नीच ये बाद में है एक्चुअली वर्ड व्यवस्था ने ऊंच नीच नहीं बोला है उसने तो कर्म के आधार पे कहा है तो कर्म के आधार पे कहा जाए तो शुद्ध तो बहुत मेहनत कर रहा है उसको नीचे करने का क्या मतलब जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको आप नीचे बता रहे हो तो वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसके पास पावर है आज भी और तब भी अपने हिसाब से लोग ऊंच नीच डिसाइड कर लेते हैं कोई भगवान ने नहीं बनाया ऊंच नीच ये ऊंच नीच लोगों का डिसाइड किया है भगवान ने नहीं बनाया ठीक है ये तो बहुत बाद में लोगों ने डेवलप किए कंसेप्ट ये सब अब क्षत्रिय लोगों को ये लगने अब देखो ब्राह्मणों का विरोध शुद्र लोग कर सकते थे क्या शुद्र लोग जैसी स्थिति में थे क्या ये ब्राह्मणों का विरोध कर पाते नहीं और वैश्य लोग जो व्यापारी व्यक्ति है वो आज भी और उस समय भी पॉलिटिकल चीजों में नहीं पड़ता था उसको व्यापार से मतलब है वो अगर विरोध कर देता तो और दिक्कत हो जाती क्योंकि वो थर्ड नंबर पर बिठा रखा है उसको व्यापारी व्यक्ति अपना व्यापार छोड़कर कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता उसको व्यापार से मतलब है तो इन सिस्टम का जो इन्होंने मोनोपोली बनाई थी उस जमाने में इनका विरोध कौन कर सकता था क्षत्रिय लोग ही कर सकते थे कि तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूजा कराओगे यज्ञ कराओगे चढ़ावा तुमको बैठे बैठा मिल जाएगा और तुम राजा को गाइड कर रहे हो तुम ही राजा को बता रहे हो राजा को क्या करना है राजा कम उम्र में जाकर युद्ध लड़के मर जा रहा है तो पूरी पावर तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास कुछ नहीं राजा खुद तुम्हारे पैर छूके चढ़ावा दे रहा है और सारी चीजें हो रही पर छतरी को भी पूरी पावर नहीं छतरी से भी ज़्यादा पावर ब्राह्मण ने होल्ड की थी उस समय ठीक है ये मैं सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूं आप इसमें कोई बात का भी वो प्रूफ की बात कर सकते हैं कि कहां पर सोर्सेज लिखे हुए हैं इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूं मेरा काम है आपको पूरी इंफॉर्मेशन देना एनालिसिस ओपिनियन आप खुद बनाइए इसमें कोई भी चीज़ मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं की है और पचासों प्रूफ मिल जाएंगे कोई भी चीज़ आप देखना चाहें तो तो अभी आप उसको यस और नो में मत कंपेयर करिएगा कि सर रिलीजन पे ये बात कह रहे हैं कि हिंदुजम पे कह रहे हैं कि इस्लाम पे कुछ कह रहे हैं मैं कुछ कह ही नहीं रहा मैं सिंपली ये कह रहा हूं जो आपको बुक्स में लिखा मिलेगा जो कंसेप्ट हर जगह लिखा है इवन आप कोई सी किताब उठा लो हर जगह आपको एक चीज मिल जाएगी तो आप उसमें पहले कंट्रोवर्सी मत बीच में बिड़ाने की कोशिश करना पहले समझो पूरी कहानी तो इनका विरोध क्षत्रिय ही कर सकते थे और वैश्य और शुद्र लोग तो इस उम्मीद में बैठे थे कि जो हमारा एक्सप्लाइटेशन हो रहा है हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है कोई नया धर्म आए जिसमें हम शामिल हो जाएं कोई नया धर्म आ जाए जिसमें हम शामिल हो जाएं क्योंकि इस सिस्टम में तो हमें एक्सप्लाइटेशन हो रहा है हमें पूरा अधिकार ही नहीं मिल रहा वैश्य कह रहा है कि यार मैं टैक्स भरते भरते मर जा रहा हूं मुझे हर हर की नीचे रखा हुआ है पे तो मैं ही कर रहा हूं तो इसका मतलब ग्रीवांश शिकायतें उस समय भी रही होंगी 600 हंड्रेड बी तक आते आते लगभग 600 हंड्रेड बी का समय अराउंड 600 हंड्रेड बी एक साथ तकरीबन 600, हंड्रेड सॉरी सिक्सटी टू रिलीजियस सेक्ट लगभग धार्मिक पंथ बासठ बन गए थे 62, 62 सिक्सटी टू रिलीजियस सेक्ट वर स्टेब्लिस्ड लगभग बासठ रिलीजियस पंथ तैयार हो गए थे 600 हंड्रेड बी तक आते आते उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यहां से अब कहानी शुरू होगी दोनों ही क्षत्रिय राजा के बेटे तो उन दोनों ने तो बनाया महावीर में वर्धमान इसमें जैनिज्म में वर्धमान महावीर राजा के बेटे वर्धमान महावीर से पहले बार जो तीर्थांकर थे पार्श्वनाथ वो भी राजा के बेटे पहले तीर्थांकर ऋषभ देव अयोध्या के तो ज्यादातर रॉयल फैमिली के बुद्धिज्म में सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्धा वो भी राजा के बेटे तो क्षत्रिय लोगों ने ही ज्यादातर ये शुरुआत की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्लियर है अब एक कहानी बुद्धिज्म और एक कहानी जैनिज्म हमारे जो आज और कल के लेक्चर हैं वो बुद्धिज्म पर ही फोकस्ड हैं आज और कल का लेक्चर हमारा बुद्धिज्म पर ही फोकस्ड जैनिज्म के लिए फिर हमें एक लेक्चर में कवर कर लेंगे आगे कोई एक क्लास करेंगे जिसमें जैनिज्म पे बात कर लेंगे थोड़ा बहुत मैं कंपैरिजन यहां पर आपको बताता चलूंगा बुद्धिज्म जैन धर्म जो है वो बुद्धिज्म से भी पुराना है जैन धर्म की शुरुआत बुद्धिज्म से भी पुराना है जैन धर्म में पाथ तो फाइंडर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं तीर्थंकर तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं ट्वेंटी नंबर वाले थे वर्धमान महावीर उनसे पहले 23 तीर्थंकर 23 तीर्थंकर और हुए हैं सबसे पहले थे ऋषभ देव अयोध्या के पर जैनिज्म को ज्यादा प्रमोट किया वर्धमान महावीर ने वो ट्वेंटी तीर्थंकर थे इसलिए उनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म बोला जाता है जबकि जैनिज्म की शुरुआत तो स्वामी ऋषभदेव से ही हो चुकी है ऋषभदेव जो थे वहीं से स्टार्ट है जैनिज्म अयोध्या के थे ऋषभदेव वहां से जैनिज्म शुरू है तो वो पहले थे 23 थे पार्श्वनाथ और 24 थे वर्धमान महावीर तो वर्धमान महावीर ने इसको प्रमोट किया तो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वर्धमान महावीर ये जैनिज्म की बात हुई और वर्धमान महावीर जैन धर्म में चौबीसवें हैं और बुद्धिज्म में तो गौतम बुद्धा ही स्टेब्लिश किए हैं बुद्धिज्म की शुरुआत गौतम बुद्धा ने की है ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे समकालीन थे गौतम बुद्ध और जैनिज्म में 24 तीर्थंकर वर्धमान महावीर समकालीन एक ही समय के हैं दोनों अब आप कहोगे सर की मुलाकात वगैरह हुई थी कि नहीं आगे बताऊंगा मैं ठीक है तो दोनों समकालीन हैं दोनों एक ही समय के हैं तो 24वें तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समय के हैं इसका मतलब जैन धर्म तो 23 तीर्थंकर और पहले हो चुके तो जैन धर्म पुराना था ठीक है और वैश्य लोग शूद्र लोग अब उनको जो धर्म सही लगा जो आसानी से फॉलो हो सकता था लोग उससे जुड़ते चले गए जैन धर्म में स्ट्रिक्टनेस है थोड़ा सा टफ़ है फॉलो कर पाना हर कोई जैन धर्म के रूल को फॉलो नहीं कर पाता जो नियम है उसमें है अब जैन धर्म में एक बात बताओ वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर को भी करने में जब आप ज़मीन पर हल वगैरह चला रहे हो कोई मशीन चला रहे हो बहुत सारे जीव मर जाते हैं उसमें एग्रीकल्चर को भी रोक रहे हैं एनिमल किलिंग को भी रोक रहे हैं वॉर के भी खिलाफ़ हैं तो जो वैश्य क्लास है जो व्यापार करने वाला क्लास है वो ज्यादा जुड़ा ठीक है क्योंकि आ, पर बहुत बहुत बड़ा क्राउड नहीं जुड़ा ना कुछ ही लोग जुड़े जैसे जैन धर्म अहिंसा की बात करता है तो जो वैश्य क्लास होगा व्यापारी वर्ग होगा वो तो चाहेगा ना कि नॉन वायलेंस हो क्योंकि वॉर अगर होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान तो व्यापारी को होता है तो अहिंसा के लिए जो जो बातें जैसे जैनिज्म है बुद्धिज्म है अहिंसा की बात कर रहे हैं अहिंसा की बात कर रहे हैं तो वैश्य शूद्र ये लोग जुड़े क्योंकि इनको एक अल्टरनेट रिलीजन मिल गया जहाँ पे ब्राह्मणिकल कल्चर नहीं था उनसे अलग एक रिलीजन मिल गया दूसरा अहिंसा की बात हो रही है तो वॉर वगैरह जैसी स्थिति को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो व्यापार प्रभावित नहीं होगा उसके अलावा और और क्या वो था इनकी जो लैंग्वेज है जैसे ब्राह्मणिकल कल्चर में संस्कृत इस्तेमाल होती थी इन लोगों ने संस्कृत का डिस्टॉर्टेड वर्जन प्राकृत को बढ़ावा दिया प्राकृत में जैसे बुद्धिज्म में भाषा है पाली तो वो आसानी से लोगों को समझ आती थी लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे पाली भाषा से संस्कृत के मुकाबले जो पाली भाषा है समझना आसान था तो पाली भाषा में लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे आसान पढ़ रही थी उनको ये भी एक कारण था बढ़ने का ठीक है उसके अलावा ब्राह्मणिकल कल्चर जब था बलि सिस्टम तो जानते ही हैं गाय बैल इनकी बलि दी जाती थी जो राजा वगैरह होता था यज्ञ वगैरह करते थे कई बार इसमें बलि कंसेप्ट अब आप आज के समय से कंपेयर मत करिएगा उस समय बलि होती थी और मगध वगैरह में तो जो आउटर एरिया में कुछ ट्राइबल वगैरह रहते थे वो जानवरों को मारकर भी खाते थे फूड के तौर पर गरीबी थी ठीक है तो बाहरी एरिया में कुछ ट्राइबल वगैरह तो जानवरों को मार कर भी खाते थे इवन ब्राह्मणिकल कल्चर में भी बलि का कंसेप्ट था और वैश्य क्लास जो व्यापारी वर्ग है जिनको खेती बाड़ी को आगे बढ़ावा देना है जब आयरन इन्वेंट हुआ जब आयरन पता लगा आयरन जब मिल गया तो आयरन खेती के लिए अच्छा हो गया पर हल वगैरह चलाने के लिए चाहिए जानवर बैल बैलवैल चाहिए तो वैश्विक लास्ट तो कहेगा कि कैटल्स को प्रोटेक्ट करेंगे तब फायदा है ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वो किलिंग हो रही है कुछ यज्ञ के नाम पे कुछ पूजा के नाम पे कुछ लोग फूड के नाम पर खा जा रहे हैं कैटल्स को जबकि कैटल इकोनॉमी को बढ़ाने में जरूरी थे कैटल्स जो है इकोनॉमी को बढ़ाने में जरूरी थे क्योंकि हल चलाने के लिए जानवर चलाएगा तो जानवर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और कैटल्स कम होते चले जा रहे थे इस चक्कर में तो बुद्धिज्म की बात जो आई तो वो और जुड़ते चले गए क्योंकि उनके साथ वो मैच कर रही थी लोगों के को भी सपोर्ट कर रही थी ये कि में क्यों जुड़ा? एक तो में वो तीसरे पर आ रहे थे ब्राह्मणिकल सिस्टम के हिसाब से तो पोजिशन उनकी इंप्रूव हो जाए एक बात ये दूसरा ये दोनों धर्म अहिंसा को प्रमोट कर रहे थे जैसी चीज ना हो जिससे इनका व्यापार प्रभावित ना हो तीसरा अहिंसा की बात है तो कैटल्स को प्रोटेक्ट किया जाए जिससे इनका व्यापार खेती आगे बढ़े उसके अलावा पाली लैंग्वेज वगैरह आसान पड़ रही थी उससे भी कनेक्ट कर पा रहे थे और ये दोनों धर्म जैसे बुद्धिज़्म है वो ज़्यादा यज्ञ रीति रिवाज इन चीज़ों में नहीं उलझता था बुद्धिज़्म आसान था लोगों के फॉलो करने के लिए जैनिज़्म फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रिक्ट था पर बुद्धिज्म ज़्यादा लिबरल था जैनिज्म के भी कंपैरिजन में और वैदिक सिस्टम से जो लोग परेशान हो गए थे उनके लिए यही ऑप्शन ठीक था तो जुड़ते चले गए बुद्धिज्म जैनिज्म में कंपेयर करें बुद्धिज्म में ज्यादा क्यों जुड़े बुद्धिज्म में ज्यादा जुड़ने का कारण और लिबरल होना जैनिज्म के कंपेरिजन में ठीक है अब यहां से बात शुरू करते हैं तो गौतम बुद्धा इनका नाम देखो सिद्धार्थ अब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं नेम सिद्धार्थ बर्थ हुआ था ये फैक्चुअल चीज ज्यादातर लोग जानते होंगे फाइव सिक्सटी थ्री बी सी एट लुम्बिनी अभी ये एरिया कहाँ पड़ता है नेपाल नेपाल और उस समय ये कपिल वस्तु एरिया था कपिल वस्तु इनके जो फादर थे कपिल वस्तु के ही राजा थे तो नेम सिद्धार्थ बर्थ 563 सिक्सटी बी सी लुम्बिनी जो कि आज नेपाल पड़ता है उस समय कपिलवस्तु एरिया था इनके फादर ये तो जनरल पॉइंट्स हैं जो सबको पता हैं चाहे किताबों में या यूट्यूब वगैरह में ये सभी ने बताया होगा फादर इनके थे किंग सुदोधन तो मैं बहुत जनरल डिस्कशन से ज्यादा एक लेवल ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा हूं इसमें

फादर इनके शाक्य ट्राइब थी उसके चीफ थे इसलिए इनको कई बार शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं बुद्धा का नाम आपको शाक्य मुनि के नाम से भी मिलता है क्योंकि ये शाक्य ट्राइब को ही बिलोंग करते थे इनके फादर इस ट्राइब के चीफ थे और इनके फादर जो थे इलेक्टेड चीफ थे किंग शुद्धोधन को जो है उनके ट्राइब ने इलेक्ट किया था इसका मतलब उस जमाने में डेमोक्रेटिक सिस्टम था इनके फादर देखो जो पूर इस किंगडम का हेड है राजा वो इलेक्ट होकर बना है तो क्या रिपब्लिक कंसेप्ट हुआ रिपब्लिक का मतलब क्या होता है गणतंत्र जब आप बोलते हो रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ द कंट्री है वो इलेक्ट होकर आता हो तो इनको इलेक्ट ही तो किया था इलेक्टेड थे ये किंग शुद्धोधन ये इलेक्टेड चीफ थे इलेक्टेड थे इसका मतलब उस समय का सिस्टम रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों था चीफ जो है उसको इलेक्ट किया गया है और लोगों का पार्टिसिपेशन है तो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक दोनों सिस्टम चलता था इसका मतलब तो फादर किंग शुद्धोधन चीफ थे शाक के ट्राइब के इलेक्ट हुए थे तो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम था इसका मतलब उस समय तो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धा जिस सोसाइटी में पैदा हुए वो एक इगैलीटेरियन सोसाइटी है जहां सबको इक्वलिटी की बात कर रहे हो ऊंच नीच का भेद ना कर रहे हो ये एक इग्लिटेरियन सोसाइटी रही होगी जहां सबको बराबरी की बात कर रहे हो ऊंच नीच का बात कर रहे ऊंच नीच की बात ना हो रही हो तो बुद्धा के मन में ये चीज़ें बुद्धा के मन में ये चीज़ें बचपन से ही आ रही होंगी हम जिस समाज में पैदा होते हैं उस समाज का प्रभाव तो हमारे ऊपर होता ही है तो इसका मतलब बुद्धा भी जिस सिस्टम में जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं जो सिस्टम वहां चल रहा होगा उसका प्रभाव कुछ उनके ऊपर भी रहा होगा किस तरह के लोगों का उनसे पिता से मिलना जुलना था कैसी सोसाइटी थी उनके फादर सिस्टम कैसे चलाते थे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम है एगेलटेरियन टाइप की सोसाइटी रही होगी जहां कुछ समानता मानता की बात हो रही होगी लोगों के अधिकारों की बात हो रही होगी ऐसा रहा होगा तो किंग शुधन चीफ ऑफ शाक के ट्राइब इलेक्टेड थे रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम था इसका मतलब वो इनकी मदर जिन्होंने इनको जन्म दिया उनका नाम था महामाया महामाया इनकी मदर थी इन्होंने जन्म दिया था एक्चुअल मदर ये थी कौशल नरेश की पुत्री थी ये थी बिलोंग्स टू कौशल डायनेस्टी कौशल डायनेस्टी प्रिंसेस कौशल किंगडम लिख लो चलो कौशल किंगडम कौशल किंगडम जो था वहां की राजकुमारी थी तो कौशल नरेश की पुत्री महामाया इनको जन्म देने के कुछ ही दिन में तीन दिन शायद तीन दिन का समय था कि इनको जन्म देने के तीन दिन बाद इनकी डेथ हो गई महामाया की इनकी जो सिस्टर थी महामाया की सिस्टर मतलब गौतम बुद्धा की आ, मौसी उनकी जो मौसी थी फिर वो उनकी मदर बनी foster मदर का मतलब है सौतेली माँ इनकी फॉस्टर मदर बनी प्रजापति गौतमी प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी इन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया है प्रजापति गौतमी ने तो मदर थी महामाया कौशल नरेश की पुत्री स्वतेली माँ थी प्रजापति गौतमी जिसने इनको पाल पोस के बड़ा किया सुदोधन सिद्धार्थ जब पैदा हुए हैं सुदोधन बूढ़े हो चुके थे और बड़ी चिंता में रहते थे कि अब बुढ़ापा आ रहा है और राजपाट संभालेगा कौन महामाया से शादी हुई है काफी लंबे समय बाद सिद्धार्थ पैदा हुए हैं तो सिद्धार्थ अब राजा परेशान थे राजा बूढ़े हो रहे थे और परेशान थे कि सत्ता कौन चला चलाएगा कौन वारिस होगा उत्तराधिकारी कौन होगा तो सिद्धार्थ बुढ़ापे में पैदा हुए और प्रजापति गौतमी के फिर अपने भी दो बच्चे हुए आगे जाकर सिद्धार्थ को उन्होंने पालपोस के बड़ा किया इनके अपने भी जो बच्चे हैं इनका एक बेटा था इनका खुद का बेटा उसका नाम था नंदा और एक डॉटर थी इनके उसका नाम था सुंदरी नंदा सुंदरी नंदा ये प्रजापति गौतमी के अपने बच्चे थे एक लड़का एक लड़की लड़के का नाम नंदा लड़की का नाम सुंदरी नंदा ये नाम था तो इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया अब इनकी जो वाइफ वाइफ जो थी इनकी वो इनकी कजन थी इनकी वाइफ जो थी इनकी कजन थी उसका नाम था यशोधरा यशोधरा और बेटा था उसका नाम था राहुल राहुल का मतलब होता है बाधा हर्डल राहुल शब्द का मतलब होता है हर्डल बाधा आगे मैं बताऊंगा ये नाम क्यों है इनका जो हॉर्स हॉर्स का नाम था कंटक ये फैक्चुअल चीज पहले लिख लो फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं था कंटक चैरियट चैरियट का मतलब सारथी सारथी का नाम था चन्ना टीचर में इनके दो मेन टीचर रहे एक का नाम अलारा कलमा दो मुख्य टीचर एक अलारा कलमा और दूसरे उड्डक रामपुत्ता उड्डक रामपुत्ता ये थे ये कुछ फैक्चुअल बात हो गई अब आते हैं टॉपिक पर देखो बुद्धा जब पैदा हुए तो वो पूर्णिमा का पूर्णिमा का दिन था मतलब वो रात जो थी पूर्णिमा की रात थी अब आप कहोगे सर इतना एग्जैक्ट कैसे पता पूर्णिमा की रात थी बुद्धा जैसा महापुरुष जब पैदा हो तो पूर्णिमा होनी ही चाहिए पूर्णिमा थी इसलिए बुद्ध पैदा हुए ये कहना सही नहीं होगा कहना ये सही होगा कि बुद्ध पैदा हुए उस दिन पूर्णिमा ही होनी चाहिए थी इतना बड़ा महापुरुष जो कई सदियों में एक बार जन्म लेता है कई कई पीढ़ी बीत जाती है, तब ऐसा कोई व्यक्ति पैदा होता है जो पूरे दुनिया को बदलने या जिसको इस तरह का ज्ञान मिले ऐसा ज्ञान जो देवी देवताओं को भी नहीं मिल पाता इस लेवल तक जहाँ बुद्धा पहुँचे वो भी नहीं पहुँच पाते तो बुद्ध पूर्णिमा जो मनाते हैं वो इनका जन्म जब है इनका जन्म जब हुआ है वो बुद्ध पूर्णिमा है तो अब आप कहोगे सर प्रूफ ये स्पिरिचुअल लेवल पे सोचोगे तो ऐसा महापुरुष जब पैदा हो तो पूर्णिमा ही होनी चाहिए पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्णता कंप्लीशन पूर्णिमा का मतलब है पूर्णता की स्थिति तो बुद्ध जैसा पुरुष जब पैदा हुआ होगा तो पूर्णिमा ही रही होगी इसको स्पिरिचुअल एंगल पर अगर देखो तो उसी दिन मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा जब इनका बर्थ हुआ है बर्थ जब हुआ है बुद्ध पूर्णिमा के दिन और कई जगह जिक्र आता है बुद्धा को जब बुद्धा का जब, 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 जब जन्म हुआ बुद्ध पूर्णिमा थी जब इनका इनलाइटनमेंट हुआ ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी बुद्ध पूर्णिमा थी जब इनकी डेथ हुई वो भी बुद्ध पूर्णिमा थी अब आप अगर साइंस के हिसाब से सोचने लगोगे सर इतना कोइंसिडेंस कहा हो सकता है तो मैं कह रहा हूं जब इतने बड़े महापुरुष आते हैं ज्ञान को पाते हैं जाते हैं तो पूर्णिमा ही होनी चाहिए नहीं है तो भी होनी चाहिए क्लियर है क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है स्पिरिचुअल एंगल से बात कर रहा हूं मैं हिस्ट्री में इसमें साइंस मत भिड़ा देना अगला पॉइंट और नई थी तो भी होनी चाहिए पूर्णिमा का मतलब पूर्णता से है और सिद्धार्थ शब्द का मतलब होता है अभिलाषाओं को पूरा करने वाला सिद्धार्थ शब्द का मतलब होता है इच्छाओं को अभिलाषाओं को पूरा करने वाला अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला अब सुनो तो सुदोधन इनके पिता बूढ़े होते जा रहे थे संतान कोई थी नहीं राजपाट कौन संभालेगा बड़ी चिंता में रहते थे बुढ़ापे में पैदा हुए सिद्धार्थ और इनकी डेथ इनके बर्थ के तीन चार दिन बाद जो महामाया इनकी मदर उनकी डेथ हो गई सिद्धार्थ जब पैदा हुए और बुढ़ापे में राजा के लड़का पैदा हुआ है तो राजपाट पूरे राज राज्य में बहुत दिए जलाए गए बहुत उल्लास का माहौल हो गया फेस्टिवल की तरह मनाया जाने लगा तो सुदोधन का ही एक समकालीन उन्हीं के समय का एक व्यक्ति मतलब बचपन से वो जानते थे ये राजा बन गए थे और वो महात्मा साधु हो गया था बचपन का दोस्त कह सकते हो हालांकि थोड़ा बड़ा था उम्र में तो सुदोधन और उनका एक मित्र कह सकते हो बचपन से जानते थे एक दूसरे को ये राजा बन गए और वो महात्मा बन गया वो हिमालय पे रहता था तो जब वो कभी कपिल वस्तु आया नहीं था जब सुदोधन को सलाह करनी होती तो ये जाते थे मिलने हिमालय में सलाह करने के लिए ये जाते थे वो नहीं आता था कभी भी तो सिद्धार्थ जब पैदा हुए तो अपने आप ही वो आया जो उसका नाम था असिता जो साधु था हिमालय का उसका नाम था असीता तो जब सुदोधन ने देखा कि असिता आए हैं तो वो उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ कि ये तो इतने बड़े महात्मा और ये तो लगभग मोक्ष को पाने वाले हैं जो ऊंचाई इन्होंने ज्ञान में पा ली है इनको तो मोक्ष कन्फर्म है ये मोक्ष की तरफ जाने वाले हैं और इतना बड़ा साधु मतलब हिमालय में इतना बड़ा तपस्वी हमारे यहाँ आया तो सुधोधन ने पूछा असिता से कि प्रभु आप क्यों आए बुला लेते मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन भिजवा देते मैं आ जाता और हमेशा मैं ही आता था आपके आने का क्या कारण हुआ आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई तो असीता ने कहा कि तुम्हारे पुत्र पैदा हुआ है तो वो मतलब सुना भी नहीं बस पुत्र पैदा हुआ है मुझे उससे दर्शन करने थे इसलिए मैं आ गया तो सुदोधन बड़े अचंभे में पड़ गए कि पुत्र पैदा हुआ उसके दर्शन करने हैं इतने बड़े महात्मा को तो असीता गए और उन्होंने जाके उस छोटे बच्चे के पैर छुए मतलब पैर में सिर रख दिया और छोटे बच्चे ने सर पे मतलब जो पैर है वो उनके सर पे रख दिया सीता के बिल्कुल नवजात शिशु जो अभी जस बच्चा पैदा हुआ अब असीता जो है वो अलग तरह से बिहेव करने लगा वो हंसने भी लगा और रोने भी लगा तो सुदोधन ने पूछा कि हंस भी रहे हो रो भी रहे हो पहले तो आप हंसने का कारण बताइए तो मतलब खुश क्यों हो आप तो उसने कहा कि देखो मैं इसके दर्शन के लिए आया और दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला और इसने मुझे मतलब आशीर्वाद दिया है पैर सर पे रखा है इसलिए मैं खुश हूँ हंस रहा हूँ और आगे जाके या तो ये राजा बनेगा या तो ये साधु बनेगा या तो राजा बनेगा तो भी चक्रवर्ती राजा बनेगा और साधु बनेगा तो पूरी दुनिया में नाम करेगा तो मैं हंस तो इसलिए रहा हूं कि ये महान आत्मा जिनका समय था आने का ये आ गई तुम्हारे आ गई और इसने मुझे आशीर्वाद दे दिया है और दुखी इसलिए हूं कि मुझे मोक्ष मिलना है मैं तो मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ गया हूं जब ये दुनिया को ज्ञान दे रहा होगा उस समय मैं रहूंगा नहीं मेरी डेथ हो चुकी होगी जब तक ये ज्ञान देने के उसमें आएगा कि जब ये बोलेगा जब ये लोगों को बताएगा अपना ज्ञान तब मैं रहूंगा नहीं सुनने के लिए मतलब अगर मुझे अपने मोक्ष को छोड़कर एक जीवन और मिले इनको सुनने के लिए तो मैं मोक्ष को त्याग दूंगा ये असीता का स्टेटमेंट यदि मुझे मोक्ष त्यागना पड़ जाए अपना जीवन मतलब मोक्ष और एक जीवन और मिल जाए इस पर वो करना हो कि मोक्ष के बजाय एक जीवन और मिले इनको सुनने के लिए मैं उसको प्रेफर करूंगा तो ये घटना थी जब ये पैदा हुए पर सुधोधन तो चिंता में पड़ गए कि सन्यासी ने कहा है कि सन्यासी बन सकते हैं वैरागी हो जाएंगे तो ये तो बड़ी पॉपुलर कहानी है सबको पता होगी अब बुद्धा जो है उनकी कम उम्र में शादी करा दी गई कि वैराग्य जैसा भाव इनके मन में आए ही ना कम उम्र में शादी करा दी गई कि वैराग्य जैसा भाव ही मन में ना आए शादी करा दोगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और यशोधरा को पता था ये बात कि साधु ने कह रखा है कि आगे जाके सन्यासी बनेंगे तो इनको उलझाए रखो कि कहीं ये जा ना पाए या कहीं जाए भी तो तुम साथ में रखो उनका ध्यान बटाए रखो कि वैराग्य मन में ना आए पर कोई चीज़ अगर आप करते हो किसी चीज़ में बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उसका सीड उसका बीज अंदर कहीं है और वही चीज बार बार अंदर से इनको स्ट्राइक कर रही थी पर इस डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी समझ नहीं पा रहे थे करना क्या चाह रहा हूं मैं किसी चीज में इनका मन नहीं रम रहा था वो अंदर से इनके जो अध्यात्म अंदर से बार बार चीज आ रही थी कि मतलब मैं जिसका जिस काम के लिए बनाऊँ पर डायरेक्शन नहीं मिल रही थी करना क्या है भाई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो वो अंदर से क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही हो पर उसको पता ही नहीं है कि क्रिकेट खेला कैसे जाएगा तो कैसे बन जाएगा तो अंदर से इनके ये चीज उठ रही थी बार बार कि कुछ और काम करना है पर दिशा नहीं मिल रही थी एक पॉइंट नहीं मिल रहा था जहां से उनको आगे बढ़ना है तो फिर एक बार ये चन्ना के साथ निकले घोड़े पर अपने, अपने उस पर रथ पे अपने राज्य को घूमने के लिए और सुदोधन ने पहले ही ये ट्रेंड कर रखा था कि जब भी ये कभी जाए कहीं बाहर बाहर निकले तो पूरा माहौल ऐसा बना के रखो कि हर तरफ हर्षोल्लास लगे हर तरफ लगे कि फेस्टिवल हो रहा है कोई दिक्कत है ही नहीं इनके मन में कोई वैराग्य का भाव ही ना आने पाए ऐसा कुछ हो ही ना कि इनके मन में कोई इनके मन में कोई वैराग्य की बात आए वो सोच ही ना पाए ऐसा तो हर तरफ अच्छा माहौल रहता था एक बार ये निकले तो इन्होंने चार दृश्य देखे चन्ना सारथी था उससे पूछते गए क्या चल रहा है ये तो चार दृश्य देखे ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति सिक मैन बीमार आदमी डेड बॉडी एक मृत शरीर और देखा एक सन्यासी एसेटिक सन्यासी ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी बीमार आदमी मृत शरीर और सन्यासी तो ये चार चीज देखते ही मन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ क्योंकि इच्छाएं तो मन में अंदर से आ रही थी पर उनको पता नहीं चल रहा था कि करना क्या है तो ये चार दृश्य जब देखे तो चन्ना से पूछा उन्होंने कि भाई ये क्या चल रहा है ये क्या है ये आदमी ऐसे क्यों चल रहा है बूढ़ा व्यक्ति ये बीमार ऐसे क्यों बैठा हुआ है ये मृत शरीर क्या लेके जा रहे हैं तो चन्ना ने बोला ये तो सबके साथ होगा चन्ना ने कहा यह तो जीवन का सत्य है सबके साथ यही होना है सबकी स्थिति दुर्गति यही होगी आगे जाकर राजा रंग कोई अमीर गरीब कोई हो होना सबका यही है तो उनका दिमाग बिल्कुल वो चेंज होने लगा कि भाई सबका यही होना है तो हम कर क्या रहे हैं फिर जब सबका यही होना है तो हाथी घोड़ा महल रथ ये कोई मतलब का नहीं है फिर तो तो यहां से ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया मन इनका ट्वेंटी नाइन ईयर्स की एज में ट्वेंटी नाइन ईयर्स की एज में सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम अपना घर छोड़ के उनतीस साल की उम्र में ये चले गए अब घर छोड़ के जाना भी उनतीस साल की उम्र में और राजा के बेटे होकर ये भी तो आसान काम नहीं था कितनी बड़ी घटना घटी होगी कि छोटा सा बच्चा छोटा सा बच्चा था यशोधरा की की एज कोई बहुत ज्यादा नहीं रही होगी लगभग इन्हीं की एज की रही होगी तो उतनी उतनी एज में महल छोड़कर जाना बीवी बच्चे को छोड़कर जाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा तो बड़ी पशुपेश में रहे होंगे यदि नहीं भी रहे होंगे तो रहना चाहिए था लॉजिक तो यही कहता है कि या तो कोई बिल्कुल कठोर मन का व्यक्ति हो कि चल दे गुस्से में निकल के बाहर ऐसा भी नहीं था तो दिमाग में आया तो होगा रुकूँ कि जाऊँ तो कुछ माहौल ऐसा बना होगा कि जिससे वो अपने मन पर नियंत्रण जबकि अभी बुद्धा नहीं बने हैं वो अभी सिद्धार्थ ही हैं एक नॉर्मल ह्यूमन ही है पर कन्विक्शन इतना स्ट्रांग रहा होगा कि परसिवरेंस दृढ़ निश्चय कि जो लक्ष्य है जीवन का मुझे कुछ तो करना है फाइनली डिसीजन हुआ निकल गए घर से अब सोचो कि जब निकले घर से तो पूरे शहर में कोई नहीं जग रहा था क्या सब सोए हुए थे और जब रथ पर बैठ कर गए होंगे रात में पूरा सन्नाटा है तो घोड़े के पैर की आवाज होनी चाहिए सब लोग जग जाने चाहिए थे तो ऐसा क्या हुआ ऐसे क्या कोई इंसिडेंस होते चले गए कि कोई जान ही नहीं पाया कि घर छोड़ के चले गए और पूरे उसमें कोई दिख ही नहीं रहा कि एक आदमी भी इनको नहीं देख पाया जब गेट से नहीं। और राजा के बेटे थे तो महल में कुछ नौकर चाकर भी रहे होंगे गेट कीपर भी रहा होगा जब निकले होंगे और राजा को पता था सन्यासी बनेंगे तो उसने इंतजाम भी कर रखे होंगे इस तरीके के अब अगर धर्म के एंगल से देखें धार्मिक लिटरेचर जो कहती है वो ये कहती है कि देवता लोग जो थे उन्हें पता था कि बुद्धा को तो धरती पर आया ही इस काम के लिए गया है यदि ये महाघटना टल गई तो कई हजार साल में कोई बुद्ध होता है फिर वो हो नहीं पाएगा और जो करोड़ों लोगों को ये उद्धार करने वाले वो घटना रुक जाएगी कहते हैं ना नियति नेचर में सब कुछ एक साइकिल में होना है वो समय पर घटना ही है आप कुछ भी करके उसको रोक नहीं सकते तो कहा जाता है कि देवताओं ने कमल के फूल बिछा दिए तो घोड़े के पैर की आवाज़ें सुनाई नहीं दी और जैसे क्लोरोफॉर्म सूंघा दे सूंघा दिया गया हो पूरे शहर को ऐसे सब बेहोश पड़े हैं किसी को पता ही नहीं चला निकल गए ठीक ये माइथोलॉजिकल एंगल बोल रहा हूँ मैं कि जो धर्म के आधार पर यह बोला जाता है कि जब निकले तो कोई जान ही नहीं पाया इनको देवताओं ने सपोर्ट किया इस काम में जबकि ये खुद बुद्धा के बारे में खुद अगर देखोगे गॉड के कंसेप्ट डिस्कशन नहीं करते हैं ये आगे बताऊंगा मैं इस बारे में नहीं तो अभी आप यहीं पर कह दोगे सर बुद्धा तो गॉड को नहीं मानते थे मैं बता रहा हूं ये घटना जो लिटरेचर जो माइथोलॉजी के हिसाब से ये बोला जाता है अब बुद्धा घर से निकले सिक्स ईयर्स तक सिक्स टू सेवन ईयर उनतीस साल में निकले सिक्स टू सेवन ईयर ही लर्नड मेडिटेशन इन्होंने अलग अलग तरह से ध्यान लगाना सीखा जो भी तरीके हो सकते थे इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया छः से सात साल तक मेडिटेशन सीखे सबसे पहले ये गए अलारा कलमा के पास तो अलारा कलमा के कई स्टूडेंट थे ये भी एक स्टूडेंट बन गए तो जैसे कहते हैं ना कि कई गुरुओं का इन्होंने ऐसा रियलिटी चेक किया कि कई लोग तो एक्सपोज हो गए कई गुरुओं को ऐसी टेस्टिंग बुद्धा ने की अगर ऐसा स्टूडेंट मिल जाए तो जो वाकई में जो गुरु होगा वो धन्य हो जाएगा और गुरु के नाम पर अगर कोई एक्टिंग कर रहा होगा एंकर होगा तो एक्सपोज हो जाएगा दो ही चीज़ें होंगी तो बुद्धा ऐसे स्टूडेंट थे कि टीचर ने जो कहा इन्होंने वो किया टीचर ने कहा दो हफ्ते फास्ट रखना है इन्होंने पैंतालीस दिन रख दिया टीचर ने कहा कि तुम्हें इतने कठिन से कठिन योग करने हैं ये मेडिटेशन करना है वो मेडिटेशन करना है सब किया एक स्टेज आ गई जो इनके पहले गुरु अलारा कलमा उन्होंने हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कहा कि यार मैंने तुम्हें कहा तो था कि मोक्ष का रास्ता ये या भगवान तुम्हें दिखेंगे मिलेंगे मुझे लगा कि यहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं पाया आज तक मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट मिला नहीं जो इतनी कठिन प्रैक्टिस को कर पाता इसी बिहाफ पर मैंने सोचा तुम भी गिव अप कर दोगे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि तुम्हें मिल जाएगा और मिला तो मुझे ही नहीं मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ मुझे ही नहीं मिला तो तुम्हें भी मैं नहीं दे सकता फाइनली सरेंडर कर दिया उन्होंने मुझे लगा नहीं था तुम इतना कर पाओगे यहां तक तुम इतनी प्रैक्टिस कर पाओगे जो मैं बोल रहा हूं कठिन से कठिन परीक्षा ली तुम वो भी करते चले गए इतना इतना परसिवरेंस फर्म किसी स्टूडेंट में था नहीं मेरे आप यकीन नहीं करेंगे फिर अलारा कल्मा ने बुद्धा को बोला कि तुम एक काम करो मेरे साथ मतलब मेरे लेवल पर आकर तुम स्टूडेंट को सिखाओ इवन मैं अपनी जगह तक छोड़ने को भी तैयार हो जाऊंगा अगर तुम कहोगे क्योंकि तुमने एक लेवल पा लिया है जहां तक मैं भी नहीं पहुंच पाया हूं तो कलमा ने ऑफर किया कि मेरे लेवल पर बैठ बैठकर तुम स्टूडेंट को सिखाओ पर बुद्धा का मन नहीं लगा क्योंकि जो वो चाह रहे थे उनको मिला नहीं वो फिर निकल गए वहां से रुके नहीं फिर वहां से निकल गए तो उनको दूसरे गुरु मिले उड्डक राम पुत्ता उन्होंने कहा मैं कुछ तरीके बताऊंगा कुछ क्रियाकलाप बताऊंगा ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी बुद्धा ने वो सब कर दी उडक राम पुता ने भी हाथ खड़े कर दिए अब बुद्धा और उड्डक राम पुता ने भी ऑफर किया कि तुम मेरा सिस्टम जो है मेरे स्टूडेंट जो हैं ये तुम चलाओ सब तुम्हारा जो नॉलेज का लेवल है मेरे से ऊपर आ गया है तुम सारा सिस्टम हैंडल करो तो बुद्धा नहीं चाहते थे कि गुरु के शिष्य जो हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं या बुद्धा अपनी सुप्रीमेसी बताएं या बुद्धा वहाँ पर रुक जाए जिससे उनका वो गुरु शिष्य कंसेप्ट जो चल रहा था कि उस वो अफेक्ट हो बुद्धा वो नहीं चाहते थे तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम अलारा रहा है कलमा उड्डक रामपुत्ता का था वो चलता रहे उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो पर बुद्धा की लाइफ का मोटिव वो सिस्टम चलाना था भी नहीं तो वहाँ से भी चले गए जब उड्डक रामपुत्ता के पास से भी बुद्धा चले गए तो काफी पॉपुलर हो गए थे ये स्टूडेंट्स में भी कि इनको तो बड़ी नॉलेज हो चुकी है ये सही व्यक्ति सही रास्ते पर जा रहा है इसके पीछे लगेंगे तो हमें भी मोक्ष मिलेगा उड्डक रामपुत्ता के पांच शिष्य थे पांच स्टूडेंट थे वो भी पीछे हो लिए बुद्धा के उड्डक रामपुत्ता के पांच स्टूडेंट थे पांचों बुद्धा के साथ चले गए फिर वहां से जाते जाते ये पहुंचे गया उसके बाद ये पहुंचे गया गया में इन्होंने 49 डेज के लिए 49 डेज के लिए मेडिटेशन किया 49 डेज सात हफ्ते केवल दिन में एक चावल का दाना खाते थे केवल पूरे दिन में एक चावल का दाना खाते थे क्योंकि ये सीखा था कि भाई त्याग करना है त्याग करने से मिलेगा मोक्ष केवल पूरे दिन में एक चावल का दाना खाते थे शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया कुछ बचा ही नहीं केवल हड्डी हड्डी दिखती थी तो ध्यान करते थे और पूरे दिन में बस एक चावल का दाना इतने कमजोर हो गए वहां पर जो रिवर है जिससे आज जा आप फलगू जानते हो उस रिवर का नाम नीलांजना रिवर है नीलांजना रिवर यही फलगू भी है और आप अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा इसमें पानी है ही नहीं तुम इसमें गले तक भी नहीं डूबोगे और बुद्धा इसको पार नहीं कर पाए बुद्धा जा रहे थे तो इसको मतलब उन्होंने पार करना चाहा इतने कमजोर हो गए कि इसको भी पार नहीं कर पाए पानी गले तक भी नहीं रहा होगा इवन घाट अगर चढ़ के आना हो उनमें इतनी भी शक्ति नहीं बची शरीर इतना कमजोर कर लिया कि वो वहां से निकल पाए एक पेड़ डूबा हुआ उसकी जड़ थी उसी को पकड़ के वो बैठ गए वहीं पर नीलांजना पार नहीं हो पा रही शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची और पेड़ की वो शाख या जड़ कुछ पकड़ के बैठ गए जिससे दिक्कत ना हो तो बुद्धा को अचानक फिर ये समझ आया कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये तरीका सही नहीं है शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन जब नहीं होगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा मैं तो शरीर खोदूंगा ऐसे मोक्ष मुझे पाना है जो भी क्रियाएं करनी है शरीर के माध्यम से करनी है तो कम से कम शरीर को उतनी शक्ति तो रहे कि मैं मेडिटेशन या कुछ बेसिक चीजें कर पाऊं शरीर और आत्मा का ही कॉम्बिनेशन नहीं होगा यदि शरीर पहले ही मुक्त हो गया तो मुझे तो मोक्ष मिला नहीं और जो सब लोगों ने ये क्रियाकलाप बना रखे हैं फास्टिंग करो ध्यान करो खाना कम खाना है ये त्याग दो वो त्याग दो इस त्याग से तो कुछ मिल नहीं रहा तो यहां पर बुद्धा को स्ट्राइक किया बुद्धा ने कहा कि घर भी छोड़ दिया अब मैं वापस घर लौट जाऊं कि क्या करूं इतने साल हो गए मिला कुछ नहीं अब यहां पर इनको फिर ये दिक्कत ये दिमाग में आना शुरू हुआ कि बिल्कुल क्लू कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है और कई बार क्या होता है जब आप उम्मीद छोड़ देते हो तभी कोई चीज मिल जाती है यही होता है ना कोई चीज आपको इतना परेशान करती है कि दिन रात आप उस चीज़ के पीछे लगे हो और जब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ने ही वाले हो तभी अचानक वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो कभी कोई कहता है सर मैं एक नंबर से रुक गया डेढ़ नंबर से रुक गया तो मैं यही एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल बाउंड्री पर आकर रुके हो अब वो समय आ चुका है जब वो चीज़ तुम्हें मिलनी है तो जब इतना नज़दीक आ जाए तब गिव अप नहीं करना चाहिए देखो तो बुद्धा को समझ आ गया कि ये तरीका तो नहीं है मैं तुम्हें इमेज दिखाऊं इसकी एक ही इमेज है केवल एक ऐसी इमेज मिलती है बुद्धा की जब बुद्धा ने फोर्टी नाइन डेज फास्ट किया था एक फोटो दिखाता हूं मैं ये देखो इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जबकि अच्छी फिजिक के थे बुद्धा की हाइट फिजिक बहुत अच्छा था देखने में खूबसूरत भी थे फिजिक भी अच्छी थी और ऐसे सूख के काटा हो गए थे बिल्कुल फोर्टी नाइन डेज फास्ट जो लोगों ने नियम बताए थे मोक्ष पाने का इनकी ये स्थिति थी उस समय यही एक इमेज मिलती है इस स्थिति में और कोई दूसरी फोटो भी नहीं है ऐसी ठीक है ये एक्चुअल इमेज की बात कर रहा हूं मैं ऐसा ऐसे हो गए थे उस समय तो उनको समझ आ गया भाई इससे तो कुछ होना नहीं है पर फोर्टी डेज लगभग हो चुके थे तो पूर्णिमा का ही दिन था वो भी पूर्णिमा का दिन था पीपल ट्री के नीचे बैठे थे जिसके नीचे बैठ के ध्यान किया करते थे उसी पीपल ट्री के नीचे बैठे और समझ आ गया था भाई ये जो तरीका है ये कुछ है तो नहीं इससे तो कुछ मिलना नहीं है, इससे कुछ मिलना नहीं है तो अपना पीपल ट्री के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे एक लेडी आई उसका नाम था सुजाता उसने पेड़ से कुछ मान रखा था पेड़ से कुछ मान रखा था सुजाता नाम की एक लेडी आई पेड़ से कुछ मन्नत मांग रखी थी और वो मन्नत पूरी हुई थी तो वो खीर लेकर आई थी पेड़ को चढ़ाने उस पेड़ को चढ़ाने खीर लेकर आई कि मन्नत पूरी हो गई है वो खीर लेकर आई और देखा कि एक आदमी ध्यान में बैठा हुआ वहां बैठा हुआ है तो इसको ये लगा कि ये जो वृक्ष के देवता हैं यही प्रकट हुए हैं और खुद डायरेक्ट मेरे से खीर लेने आए हैं बुद्ध अपना वो बैठे ध्यान कर रहे थे तो उसको लगा कि वृक्ष के देवता डायरेक्ट प्रकट हुए हैं मेरी मन्नत पूरी होने पर इतने खुश हैं कि वो मेरे से डायरेक्ट खीर रिसीव करने आए हैं तो बुद्धा समझ चुके थे कि कोई मतलब तो है नहीं अब उससे पहले गुरुओं ने क्या नियम बना रखा था सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं है दिन में बहुत कम खाना है त्याग करना है ज़्यादा से ज्यादा ध्यान करना है उनको तो यही पता था सूर्यास्त के बाद कुछ कुछ नहीं खाना ध्यान करना है कम से कम खाना है त्याग करना है इस तरह की बातें पता थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस से करना है और बुद्धा को तो समझ आ गया था कि इससे तो कुछ मिला नहीं इतने दिन से ये तो निरर्थक है इसका कोई मीनिंग लेस है ये सारी चीजें ये रीति रिवाज क्रियाकलाप में उलझा के हमारा पूरा फोकस गलत जगह डेविएट कर रहे हैं और सही चीज हमें दिख नहीं रही कि आप यज्ञ कर रहे हो पूजा कर रहे हो उसका मीनिंग आपको नहीं पता उसके मीनिंग को जानकर आप फॉलो करिए ये पूरा पूरा फोकस हमारा इस शिष्य पे डाल दे रहे हैं जो रियल चीज है हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं इनको ये समझ आया तो इनके जो बाकी जो पांच शिष्य पीछे हो गए थे उड्डक रामपुत्ता के पांच शिष्य थे ना जो इनके साथ लग लिए थे वो बाकी पा पांच पेड़ों के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे एक पेड़ के नीचे बुद्धा बैठे थे और बाकी पांच पेड़ों के नीचे वो सब ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सूर्यास्त के बाद ये कुछ खा रहे हैं खीर रात के समय रात के समय खीर खा रहे हैं सूर्यास्त के बाद का तो कंसेप्ट गलत माना जा रहा था दूसरा सुजाता तो सुजाता को ये माना जा रहा है कि एक शुद्र महिला रही होगी शुद्ध महिला रही होगी उसके दो तीन कारण हैं कि जो लोग संपन्न थे या ब्राह्मणिकल सेक्शन में थे या क्षत्रिय थे वो पेड़ की पूजा क्यों करेंगे वो लोग तो यज्ञ करना चढ़ावा चढ़ाना वो सब ऊंची पूजाएं करेंगे एक छोटी सी चीज खीर ऑफर करना पेड़ की पूजा करना जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों करेंगे वो तो एलिड क्लास में है शुद्र लोग ही बेचारे पेड़ पौधों की पूजा करते होंगे क्योंकि उनको बाकी जगह एक्सेस नहीं मिल पा रहा ना वो इतना चढ़ावा चढ़ा सकते हैं ना उतनी महंगी चीज़ें पहनना वो सब नहीं है तो शुद्र ही रही होगी ये माना जाता है अब इनके शिष्य जो पांच पेड़ों के नीचे बैठे थे वो तो भड़क गए उन्होंने कहा एक तो तुम शुद्र महिला से तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो खाना और सूर्यास्त के बाद खा रहे हो फिर आज तुम्हारा हाव भाव भी बदला बदला लग रहा है तो उन्होंने कहा कि ये हो गए करप्ट ये जिसको हम गुरु मान मानने चले थे कि ये हमें सही रास्ता दिखाएगा शुरू में तो ये ठीक था अब ये करप्ट हो गए हैं अब ये गुरु नहीं रहे अब हम इनके इनके साथ नहीं चलेंगे इनके साथ हमें कुछ मिलना नहीं है वो पांचों वहां से चले गए इनको छोड़कर और उसी दिन सुबह के आसपास की घटना है शायद चार पांच कुछ बजा होगा उसी दिन सुबह की घटना है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है जब शिष्य चले गए छोड़कर उसी दिन सुबह की घटना है जब इनका एनलाइटनमेंट हुआ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जब इन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी और त्याग व्याग ये सब चीजें समझ में इनको आई कि कोई मतलब नहीं है क्रियाकलाप में हम ज्यादा उलझे हैं मेन फोकस हमारा नहीं बन रहा तो इनको समझ आया कि कोई मीनिंग नहीं है उसी समय ज्ञान की प्राप्ति सुबह के समय बुद्ध पूर्णिमा थी वो भी इसके बाद सुबह इनको दो व्यापारी मिले सबसे पहले इनको मिले दो मर्चेंट तो बुद्धा का जब इनलाइटनमेंट हुआ तो वो पीपल ट्री हो गया बोधि वृक्ष बुद्धास इनलाइटनमेंट तो इनका नाम हो गया सिद्धार्थ से बुद्धा और इनकी मदर जो थी प्रजापति गौतमी गौतमी शब्द से आया गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने जिसको ज्ञान मिल गया हो इनलाइटनमेंट, बुद्धत्व पा लिया हो जिसने जिसने बुद्धत्व पा लिया हो वो बुद्ध जिसने बुद्धत्व पा लिया है ज्ञान पा लिया है वो बुद्ध है तो उनके नाम में बुद्ध शब्द आ गया और प्रजापति गौतमी के नाम से गौतम शब्द आ गया बन गए गौतम बुद्ध और ये पीपल ट्री जो था वो हो गया बोधि वृक्ष और गया हो गया बोध गया पीपल ट्री हो गया बोधि वृक्ष बंगाल का राजा शशांक उसने बाद में कटवा दिया था इसको बोधि वृक्ष और गया हो गया बोध गया गया बिकेम, बोध गया क्लियर है तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई गया हो गया बोध गया सबसे पहले इनसे दो मर्चेंट मिले सुबह जब इनको ज्ञान हुआ अब ज्ञान के बाद जब इन्होंने आंखें खोली सुबह जब उठे अगर फिर माइथोलॉजी के ऊपर जाए काल्पनिक कथाओं पे जाएं दंत कथाएं काल्पनिक कथाएं तो उसमें कहते हैं कि ये जब उठे तो बड़ी पशोपेश में थे कि जो मैंने जाना है वो मैं आगे ट्रांसफ़र करूं या नहीं करूं क्या लोग समझने को तैयार होंगे क्या ये चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी मैं इस ज्ञान को ट्रांसफ़र करूं या नहीं करूं इनको क्लियर नहीं था कि मुझे ये आगे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए मौन थे चुप थे तो कहा जाता है कि इनको ब्रह्मा ने दर्शन दिए ब्रह्मा प्रकट हुए ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि यह ज्ञान तुमको लोगों तक पहुंचाना है लोग विरोध होगा लोग सुनेंगे समझेंगे विरोध करेंगे पर तुम्हारा लाइफ का पर्पस ही यही है तुम्हें इसको ट्रांसफर करना है फिर उन्होंने तय किया कि मुझे ज्ञान बताना है इनसे मिले दो मर्चेंट वहीं पर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो दो मर्चेंट इनसे मिले तपुस्सा और भल्लिका उनको उन्होंने कोई ज्ञान तो नहीं दिया तपुस्सा भल्लिका को थोड़ा बहुत अपने इनलाइटनमेंट संबंधित कुछ जानकारी दी ज्ञान नहीं दिया दीक्षा नहीं दी कोई तो दो मर्चेंट इससे मिले एक का नाम था तपुस्सा और एक था भल्लिका ये दो व्यापारी इनसे मिले थे तो अपने इनलाइटनमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बात इन्होंने बताई कोई इनको दीक्षा नहीं दी तो यहां से बुद्धा चल दिए फिर यहां किसी को ज्ञान नहीं दिया यहां से चल दिए उन पांच शिष्यों की खोज में कि ये पांचों जो है इतने समय तक मेरे साथ थे इनलाइटनमेंट का मतलब बौद्धत्व को बुद्धत्व को पा लेना एनलाइटनमेंट हो जाना ज्ञान को पा लेना कि जिसके बाद ये लाइफ और डेथ का कंसेप्ट खत्म हो जाए निर्वाण पा लो तुम स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट कि जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए अब तुम फ्री हो गए बार बार तुम्हें चौरासी लाख योनियों में आना जाना वो नहीं करना होगा फ्री हो गए हर चीज से लाइफ डेथ के चक्र से मुक्त हो जाना तो एनलाइटनमेंट के द्वारा ही पॉसिबल है एनलाइटनमेंट ही वो चीज़ है जो आपको ये दे पाएगी मोक्ष दे पाएगी मैं बोल तो रहा रहूँ कई देवी देवताओं को भी मोक्ष नहीं मिला मोक्ष का मतलब ये आ, ये आ, ये निर्वाणा की जो मैं बात कर रहा हूँ एनलाइटनमेंट की जो बात मैं कर रहा हूँ तो बल्कि महावीर वाले कंसेप्ट में तो आप देखोगे कि एनलाइटनमेंट का जो कंसेप्ट है कैवल्य का कंसेप्ट गॉड के कंसेप्ट से भी ऊपर रखा गया है तो एनलाइटनमेंट एक बहुत बड़ी चीज मानी गई ठीक है तो यहां से चले गए अपने पांच शिष्यों की खोज में इतने समय तक ये मेरे साथ रहे जब मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए आज जब कुछ देने के लिए है तो ये चले गए नाराज होके तो उन पांचों की खोज में चले गए पहुंच गए बनारस के पास सारनाथ सारनाथ नियर वाराणसी सारनाथ पहुंच गए और वो पाँचों के पाँचों एक शुरू में आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा थोड़ा सा मैंने बताया था इसके बारे में वहाँ पर तो पाँचों के पाँचों टीले पर बैठे हुए थे और देखा था कि बुद्ध आ रहे हैं दूर से तो पाँचों बड़े नाराज कि ये क्या करने आ गए यहाँ ये तो भ्रष्ट हो चुके हम तो इनको मानेंगे ही नहीं कोई सम्मान नहीं करेंगे और जब ये आएंगे तो हम पीठ घुमा के बैठ गए कि हम देखेंगे ही नहीं इनकी तरफ और प्रणाम भी नहीं करेंगे ये प्रणाम के अधिकारी भी नहीं हैं पर हुआ क्या कि जैसे जैसे बुद्धा नज़दीक आने लगे अपने आप ही पहले एक खड़ा हुआ इनमें से वो पैर छूआ फिर अपने आप ही दूसरा खड़ा हुआ उसने पैर छू लिया पांचों के पांचों प्रणाम किए तो बुद्धा ने कहा कि जो तुम सोचे थे वो क्यों नहीं किए ये समझ गए थे कि उनका माइंडसेट क्या है तो बुद्धा ने कहा कि तुम तो सोचे थे पीठ घुमा के बैठूंगा प्रणाम ही नहीं करूंगा क्यों कर रहे हो तुमने क्यों किया ऐसा तो उन्होंने कहा कि हमने किया नहीं है ये अपने आप ही हो रहा है कि एक मैग्नेट की तरह इफेक्ट हो रहा है कि आप नज़दीक आ रहे हो पता नहीं हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं कि हम चाहते नहीं है ये अपने आप हो रहा है हम तो नहीं चाहते प्रणाम करना हम तो नाराजों के चले आए थे फिर बुद्धा ने उन पांचों को दीक्षा दी है सबसे पहले उन पांचों को दीक्षा दी है वो जगह है सारनाथ में उसे बोलते चौखंडी स्तूपा सारनाथ में वो जगह है चौखंडी स्तूपा स्तूप का कंसेप्ट होता है जहां पर कुछ अवशेष वगैरह रखे हों गुरु के स्तूपा कंसेप्ट का मतलब है जहां उनकी कुछ स्मृति रखी हो जहां कुछ अवशेष रखे हों जैसे सांची स्तूपा है तो कहते ना अशोका ने उनकी हड्डियां या कुछ राख वाख उस समय वहाँ रखवाई थी स्तूपा कंसेप्ट का मतलब है वहाँ पर कुछ रिलिक्ट कुछ सिंबल हो उनसे संबंधित कुछ चीज़ रखी हो तो चौखंडी स्तूपा यहाँ पर उन्होंने पांचों को शिक्षा दी आ, वो पांच के नाम अगर जानना चाहो रुको एक बता रहा हूं मैं उनमें सबसे पहला था कौदन्ना कौायन भी बोलते हैं इसको रुको मैं बता रहा हूँ एक था कौदन्ना एक था भद्दिया कौदन्ना था भद्दिया था एक था वप्पा कौदन्ना भद्दा वप्पा एक था महानामा महानामा और एक था अश्वजीत ये पांचों थे तो सबसे पहले जो पांच शिष्य इनके बने थे वही पांच ये रहे सारनाथ में तो सारनाथ से ही शुरुआत हुई है क्लियर है सारनाथ से ही बुद्धिज्म फिर शुरू हुआ तब आगे जाके फिर उन्होंने संघ की स्थापना की मॉन्क्स बनाना शुरू किए बुद्धिज्म का प्रचार करना शुरू हुआ तो सारनाथ बनारस के पास यहीं से है बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म इसी घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ मतलब बुद्धिज्म की शुरुआत धर्म चक्र प्रवर्तन धर्मचक्र प्रवर्तन दैट इज टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ बुद्धिज्म की शुरुआत टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ अब बच्चों के दिमाग में आती ये बात कि सर घर छोड़कर चले गए थे क्या कभी अपने घर वापस भी आए थे आए थे शुद्धोधन जब काफ़ी बुजुर्ग और बुजुर्ग हो गए थे और एक लंबा गैप हो गया था बच्चे को देखे बिना शुद्धोधन के रिक्वेस्ट पर आए थे बुद्धा थे और उनके साथ उनके मॉन्क्स भी आए थे शायद हंड्रेड मॉन्क्स के आसपास कुछ आए थे शुद्धोधन के रिक्वेस्ट पर तो बुद्धा जब वापस आए तो शुद्धोधन नाराज भी थे बहुत कि मतलब मैं तो सोच रहा था बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ है बुढ़ापे की लाठी बनेगा राजपाट संभालेगा और तुम तो साधु हो गए तुम्हारे तो फैमिली के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है एक आम व्यक्ति जैसे सोचेगा वैसे उन्होंने भी सोचा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अभी भी माफ कर दूंगा तुम वापस आ जाओ अभी भी माफ कर दूंगा तुम सब भूल के और राजपाट संभालो यहां आ जाओ पर बुद्धा ने बोला कि देखो जो गया था वो सिद्धार्थ था और जो आया है वो सिद्धार्थ नहीं है बीच में एक क्रांति घट गई है बीच में घटना हो गई है तो जो गया है और जो आया है दोनों सेम नहीं है गया था सिद्धार्थ लौटा है बुद्धा दोनों में अंतर है क्लियर है वाइफ जो थी यशोधरा उनको भी शिकायतें थी उनको भी दिक्कत थी नाराज भी हुई कि सोते हुए छोड़ के चले गए कुछ पता नहीं चला लड़का भी छोटा था पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल गए भाई सही था उनका जो पॉइंट कहना सही तो मैं वैराग लेना था तो फिर बेटा पैदा क्यों हुआ अकेले मुझे पाल पोस के बड़ा करना पड़ रहा है कोई भी कहेगा जो वो उन्होंने भी कहा होगा फिर राहुल जो उनका लड़का था राहुल का मतलब होता है बाधा रास्ते की बाधा क्योंकि जब ये जा रहे थे घर छोड़कर तो वो चीज उसका मोह इनको रोक रहा था वो जो मोह है वो मोह इनको रोक रहा था इसलिए राहुल शब्द है वहां पर तो यशोधरा कहती है राहुल से कि ये तुम्हारे पिता हैं जाके इनसे अपना अधिकार मांग लो तुम तो इनके उत्तराधिकारी हो जाके इनसे अपना अधिकार मांग लो यही कुछ दे देंगे राजपाट एक तरह से मतलब सटैरिकल कमेंट करना समझ लो और बुद्धा के पास तो कुछ था नहीं वो तो साधु थे उनके पास वो भिक्षा पात्र था उनका चार ही पांच चीज़ें बुद्धिज्म में अलाउड थी एक कमंडल एक भिक्षा पात्र एक पट्टा होता था और कपड़ा चार ही पाँच चीज़ें टोटल होती थी बुद्धिज्म में जो वो कैरी कर सकते थे उसमें से भिक्षा पात्र जो था या कमंडल वो उन्होंने राहुल को थमा दिया बुद्धा ने कि मेरे पास यही है और ये ले लो और तो कुछ है नहीं राजपाट तो मेरे पास है नहीं तो कहते हैं कि राहुल ने वो भिक्षा पात्र लिया उनको प्रणाम किया छोटा सा बच्चा बुद्धा का अपना एक आकर्षण ऐसा था और जब इतना छोटा बच्चा बुद्धा को प्रणाम कर रहा है कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कुछ नहीं कह रहा उसको देख के यशोधरा झुक गई उन्होंने प्रणाम किया पिता प्रणाम तो नहीं कर सकते पर प्रथा का पिता का भी दिल पिघल गया वो भी समझ चुके थे कि भाई कुछ घटना घट गई है अब ये वापस तो आएंगे नहीं फिर इनकी फैमिली में लगभग लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया लगभग लोग इनकी फैमिली के बुद्धिज्म राहुल बुद्धिज्म में आ गए मोंक बन गए यशोधरा बुद्धिज्म में आई प्रजापति गौतमी बुद्धिज्म में आई इनकी फैमिली के ज्यादातर लोग फिर बुद्धिज्म में ही आ गए हालांकि वुमेन को इन्होंने बाद में एंट्री दी है प्रजापति गौतमी या यशोधरा जो है वो बाद में जुड़ी हैं शुरू में वुमेन एंट्री नहीं दी थी इन्होंने अब इसको भी लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं जैसे गांधी जी का डू और डाई का नारा था करो या मरो उसको लोग वायलेंस से जोड़ लेते हैं वायलेंस है ही नहीं उसमें गांधी जी ने नॉन वायलेंट तरीका बोला हुआ था उस शब्द शब्द को पकड़ लेते हैं वो नॉन वायलेंट मेथड इन्होंने बोला था उसी तरह यहां पर इन्होंने वुमेन को एंट्री नहीं दी इसका मतलब यह मत समझिए कि भेदभाव कर रहे थे बुद्धा एक्चुअल में बुद्धिज्म में क्या कंसेप्ट था तीन चीजें बनेंगी बुद्धा संघा एंड धम्म बुद्धा संघा एंड धम्म तीन चीज बनेंगी तो बुद्ध का मतलब तो एनलाइटनमेंट पाना फिर सबका ऑब्जेक्टिव क्या है इनलाइटनमेंट को पाया जाए इनलाइटनमेंट सबको इनलाइटनमेंट मिले निर्वाण जिससे मिल सके संघ का मतलब है ग्रुप ऑफ मॉन्ग भिक्षुओं का जो ग्रुप ग्रुप ऑफ मॉन्ग्स मॉन्ग्स का जो समूह है वो संघ तो संघ को बड़ा महत्व देते थे बुद्धा क्योंकि संघ जो है वही बुद्धिज्म को आगे बढ़ाएगा देश विदेश में प्रचार प्रसार करेगा तो मॉन्क्स जो हैं जब ये लोग सही रास्ते पर चलेंगे बुद्धा ने कहा मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे तो ये निर्वाण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो संघ को लेकर वो बड़े कंसर्न थे बुद्धा तो इनका जो प्रिय शिष्य आनंदा था आनंदा ने इनसे कहा कि प्रजापति गौतमी बुद्धिज्म में शामिल होना चाहती थी पर बुद्धा ने संघ के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे जो नियम बनाए थे उसमें इन्होंने तय किया था कि वुमेन को एंट्री नहीं देंगे उसका रीजन कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव नहीं है उसका कारण है कि अगर मैंने वुमेन को एंट्री दे दी तो मॉन्ग्स डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे करप्ट होने लगेंगे फिजिकल रिलेशन डेवलप करने लगेंगे बच्चे पैदा करने लगेंगे अपने रास्ते से हट जाएंगे मैं वुमेन के खिलाफ नहीं हूं पर अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन की बात है ये करप्शन आ जाएगा ये एक नेचुरल सी बात है कि कुछ ना कुछ मॉन्क्स इसमें डेविएट होने लग जाएंगे और जहां तक मैं खींच के बुद्धिज्म को लाया हूँ फिर ये पीछे हो जाएगा तो आनंदा ने जब बहुत कहा जब आनंदा ने बहुत रिक्वेस्ट की और प्रजापति गौतमी कई बार आई मिलने इनकी मदर अपनी खुद की मदर कई बार आई और घंटों घंटों बैठ के चली गईं बुद्धा ने शामिल नहीं किया उनको संघ में उसका मेन कारण यह था कि बुद्धिज्म पिछड़ जाएगा बुद्धिज्म मैनेज नहीं रह पाएगा जो उन्होंने सोचा था भेदभाव नहीं था वो बुद्धिज्म को संभालने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया और आगे जाके बुद्धिज्म डिक्लाइन होने में भी एक कारण है ये जो बुद्धा ने रोका था जिस चीज के लिए आगे जाके एक बड़ा कारण है बुद्धिज्म के डिक्लाइन का कई कारण है उनमें एक ये भी है तो आनंदा ने जब बहुत इनको रिक्वेस्ट किया तो बुद्धा ने कहा बुद्धा इनको तथागत भी कहते हैं देखो बुद्धा का जो नाम है इनको तथागत नाम से भी जाना जाता है जब बुद्धिस्ट लिटरेचर आप पढ़ोगे तो आनंदा इनको तथागत कह के बात करते हैं और इनका नाम अरिहंत अरिहंत शब्द तो महावीर स्वामी के लिए भी इस्तेमाल होता है वर्धमान महावीर के लिए और बुद्धा के लिए भी अरिहंत शब्द का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो कंक्वयर ऑफ सेंसेस जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे बोलते हैं अरिहंत तो वर्धमान महावीर को भी अरिहंत कहते हैं बुद्धा भी अरिहंत हैं तो बुद्धा को तथागत नाम से भी जानते हैं अरिहंत नाम से भी तो बुद्धा ने कहा कि आनंदा तुम्हारे कहने पे वुमेन को एंट्री मैंने दे तो दी अब जो बुद्धिज्म हजार साल में जहाँ पर होता मतलब जो चीज़ मतलब हजार साल का जो हमारा टारगेट था कि बुद्धिज्म हज़ार साल तक चलेगा उन्होंने आनंदा से कहा कि बुद्धिज्म मेरा मानना था कि मेरे हिसाब से चलता तो हज़ार साल चलेगा अब वुमेन एंट्री के बाद ये फाइव हंड्रेड ईयर से ऊपर ज़िंदा नहीं रह सकता अब इसकी लाइफ आधी हो गई है तो बुद्धिज्म को लेकर उन्होंने बोला कि एंट्री के बाद जिंदा रहना में फोर एटी थ्री में बुद्धा की डेथ, डेथ हुई है उसके पांच छो से साल के बाद ही डिक्लाइन शुरू हो गया है बुद्धा के जाने के चार पांच सौ साल के बाद अच्छा खासा डिक्लाइन बुद्धिज्म में आ चुका था उसके कई कारण थे एक कारण था वुमेन भी ठीक है तो जब इस समय फिर आनंदा ने क्या कहा आनंदा ने कन्विंस कैसे किया आनंदा ने कहा कि तथागत हम महिलाओं का एक अलग मॉन्क्स का ग्रुप बनाएंगे फीमेल मॉन्क्स का ग्रुप अलग होगा मेल से कोई मिक्सिंग की बात उनसे मिलना जुलना नहीं होगा ये अलग डिपार्टमेंट रहेगा और मेल वाला डिपार्टमेंट अलग रहेगा इंट्रैक्शन नहीं होगा फिर उनको कोई मेकअप या कोई अट्रैक्टिव कपड़े पहनना अट्रैक्टिव मेकअप ज्वेलरी ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी और इनको जो वुमेन है प्रजापति गौतमी हेड करेंगी वुमेन जो वुमेन डिवीजन है वुमेन वाला जो संघ है जो ग्रुप ऑफ मॉन्ग्स है प्रजापति गौतमी उसको लीड करेंगी और सिंपल तरीके से रहना मेकअप ना करना जिससे किसी प्रकार का अट्रैक्शन डेवलप ना हो अपोजिट उसमें ठीक है इन सब कंडीशन को आनंदा ने लागू करवा के बनवा तो दिया था प्रजापति गौतमी जब तक रही तो उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया पर आगे जाकर डिक्लाइन होता चला गया जबकि जैनिज्म में शुरू से ही वुमेन एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जैनिज्म में शुरुआत में भी वुमन एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बुद्धिज्म में शुरू में रिस्ट्रिक्टेड था बाद में दिया गया अलाउड बाद में अलाउ किया गया क्लियर है तो बुद्धा की जो अपनी फैमिली है वो भी बुद्धिज्म में सब लोग आ गए धीरे धीरे करके पहले प्रजापति गौतमी आई फिर यशोधरा इसमें आ गई तो माना जाता है कि प्रजापति गौतमी यशोधरा इन लोगों ने भी निर्वाण को पा लिया था ये कहा जाता है कि इन लोगों ने भी निर्वाण को पा लिया था हिंदुज्म के हिसाब से शुरू में ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज़्म अलग अलग चल रहे थे दोनों में क्लैशेस होते रहते थे बुद्धिज़्म अलग ब्राह्मणिज्म अलग कई बार बुद्धा के डिबेट्स होती थी जो पुजारी उजारी होते थे कई डिबेट्स में बुद्धा क्योंकि लॉजिक पे बात करते थे बुद्धा का पूरा ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है और बुद्धिज़्म बहुत नया लगता है अब आज की डेट में ही बुद्धिज़्म को पढ़ोगे आपको लगेगा जैसे आज के समय में बुद्धा बात कर रहा हूँ वो बहुत लॉजिकल बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान है क्योंकि बुद्धा का पूरा ज्ञान उनके ध्यान पे बेस्ड है और ध्यान क्या होता है जब आप आंख बंद करके कुछ सोचते हो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सारे जवाब अंदर से मिलते हैं तो बुद्धा ने इतना विचार किया हुआ था इतना सोचा हुआ था कि बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान है बहुत लॉजिकल ज्ञान है इवन लॉजिक की जो हम बात कर रहे हैं ना बुद्धिज्म उसकी देन है बुद्धिज्म प्योर लॉजिक रेशनल थिंकिंग कि कोई बायस डोकर नहीं और गॉड वगैरह पे डिस्कशन को बुद्धा अवॉइड करते थे कई जगह बुद्धा को एग्नोस्टिक बोला गया है बुद्धा गॉड पे डिस्कशन को अवॉइड करते थे कई जगह उनको एग्नोस्टिक नास्तिक माना गया है एग्नोस्टिक शब्द का मतलब है नास्तिक सोल और गॉड इस डिस्कशन को वो अवॉइड करते थे सोल और गॉड इस पर डिस्कशन अवॉइड करते थे पर अभी एक मजे की बात बताऊं पुनर्जन्म लाइफ आफ्टर डेथ को मानते थे अब आप कहोगे सर ये तो आपने अलग ही बहस छेड़ दी थोड़ा सा भी अगर आपको पता हो इसके बारे में इसको मानते थे सोल मतलब आत्मा को नहीं कहते थे आत्मा कहते थे नहीं है और गॉड पर डिस्कशन को अवॉइड करते थे पर पुनर्जन्म को मानते थे पुनर्जन्म को मानते थे एक राजा था आगे जाकर उसका नाम था मिलिंद ग्रीक राजा था वैसे तो ग्रीक में उसको मीनिंदर बोलते हैं ग्रीक में उसको मिनिंदर बोलते हैं यहां हिंदी में अपने यहां उसको मिलिंद बोलते हैं मिलिंद राजा मिलिंद और नागसेन एक मोंक था काफी आगे जाकर बुद्धा के बाद की कहानी है किंग मिलिंद और एक मोंक था उसका नाम था नागसेन तो नागसेन राजा मिलिंद से मिला और बुद्धिज्म के बारे में बताया तो राजा के मन में बुद्धिज्म को धीरे धीरे अपनाने के लिए डेवलप होना शुरू हुआ भाव पर उसने कहा कि मेरे कुछ सवाल हैं इन सवालों को पहले आप क्लियर कर दो कि बुद्धा क्या बुद्धा ने क्या कहा है पहले इन सब सवालों को आप क्लियर करो फिर मैं इसके बारे में कुछ विचार करूं मिलिंद ने जो सवाल नागसेन से किए थे उनमें एक सवाल यही था देखने में आपको बड़ी सिंपल सी बात लग रही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था मिलिंद ने नागसेन से कहा कि बुद्धा आत्मा को नहीं मानते तो पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा जब आत्मा नहीं है जब आत्मा ही नहीं है भाई भगवत गीता भगवदगीतावीता जो कह रहे हैं भगवत गीता या पुराण हमारे कि आत्मा नए पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण कर लेती है आत्मा नहीं मरती शरीर मरता है तो फिर भगवत गीता जो कह रही है और हमारा जो ये कंसेप्ट है ये तो फिर बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई कि आत्मा नहीं है तो फिर जन पुनर्जन्म कैसे हो रहा है जा कौन रहा है ये कैसे हो पा रहा है आत्मा यदि नहीं है तो फिर ट्रांसफर कौन हो रहा है ये पुनर्जन्म कहाँ से हुआ बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है तो नागसेन ने कहा कि जब एक दिया ऐसे और एक दिया ऐसे नक्सेर ने कहा संभव है बुद्धा ने बोला संभव है एक दिया ऐसे और एक दिया ऐसे जब एक दिए से दूसरे दिए को जलाते हैं तो दोनों में ज्योति है पर क्या पहले वाले की ज्योति इसमें चली गई है बहुत बारीक सवाल है ध्यान से अगर सोचो कि दो दिए से दिए को जला रहे हैं तो ये दिया अलग और ये दिया अलग ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है ये दिया बुझ भी जाए तो भी ये जल रहा है क्या ये ज्योति इसमें ट्रांसफर हुई है नहीं इसी प्रकार से आत्मा कंसेप्ट नहीं है पर पुनर्जन्म होता है ये बहुत महीन सवाल था तो मिलि मिलिंद जो है वो बहुत खुश हुआ इनके जवाबों से और ये पूरी कहानी का जिक्र मिलिंद पानहो नाम की एक किताब है मिलिंद के सवाल और नागसेन के जवाब इस किताब में जिक्र मिलता है जो नागसेन ने ही लिखी है मोंक जो नागसेन थे उन्होंने ही लिखी है तो मिलिंद पानहो मोंक नागसेन के द्वारा ही लिखी गई थी जिसमें मिलिंद के सवाल के जवाब मिलिंद पानो यहां पर जिक्र मिलता है इस पूरी कहानी का कुछ समझ आया कि ज्यादा हो गई बात डाटा जो बता रहा हूं कुछ संभाल भी पा रहे हैं कुछ ज्यादा हो गई बात और बुद्धा क्या कहते हैं बुद्धा कहते हैं कि निर्वाण का जो रास्ता है और बुद्धा है मध्य मार्गी बुद्धा बहुत रिजिड बात नहीं करते हैं बुद्धा है मध्य मार्गी मिडल पाथ की बात करते हैं बुद्धिज्म है लिबरल एंड डेमोक्रेटिक इसीलिए काफी लोग बुद्धिज्म में जुड़े लिबरल है ज्यादा कोई क्रियाकलापों यज्ञ में उलझाता नहीं है आपको और सबकी बात सुनी जाती है हर मौग को अधिकार है अपनी बात कहने का तो बुद्धिज्म लिबरल है और डेमोक्रेटिक भी है मिडल पाथ है और लिबरल एंड डेमोक्रेटिक है तीन थ्योरी चलती हैं देखो एक थ्योरी है चार की थ्योरी एक थ्योरी है चारवाक की थ्योरी जो कहता है असीम भोग की बात कि तुम चीजों से अपना ध्यान हटा रहे हो वो ध्यान पूरी तरह हटता नहीं है घूम फिर के तुम्हारे दिमाग में वो चीज चलती रहती है शराब की बात करो सेक्सुअलिटी की बात करो तो ये चीजें तुम दिमाग हटाने की कोशिश करते हो पर कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में चलती हैं तो चारवाक कहते हैं जिन चीजों में तुम्हारा ध्यान है पहले उसको भोग लो जब तुम्हारी इच्छा तृप्त हो जाएगी तब तुम धर्म के रास्ते पर चल पाओगे जैसे लोग कहते हैं कि गरीब व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जहां रोटी की लड़ाई है उसकी मेन फाइट ही सर्वाइवल के ऊपर है तो वो कैसे अध्यात्म की बात सोच पाएगा भरा हुआ पेट होगा तो अध्यात्म सोचेगा ज्यादातर साधु सन्यासी रिच लोग इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनको बेसिक स्ट्रगल नहीं है लाइफ का जिसकी लाइफ में बेसिक स्ट्रगल चल रहा हो पहले वो उसको पूरा करेगा तब अध्यात्म सोचेगा तो ज़्यादातर बड़े बड़े साधु सन्यासी आपको राजा महाराजा के बच्चे ही दिख रहे हैं क्योंकि बेसिक सर्वाइवल उनके क्वेश्चन नहीं है ठीक है तो चारवाक की नीति कि पहले भोग लो खूब जब सब चीज भोग लोगे मन तृप्त हो जाएगा तब तुम कुछ बचेगा नहीं तब ध्यान लगाओगे तब इस रास्ते पर चलोगे दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है महावीर का पॉइंट बहुत ज्यादा त्याग कि मुंह पर कपड़ा बांध लो गलती से कोई कीड़ा भी ना छू जाए और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना इसका लॉजिक क्या है दो तीन पॉइंट हैं उस जमाने में देखो लाइट तो थी नहीं और हर घर में तो कोई बहुत ज्यादा दिए नहीं रहते होंगे हर कोई तो राजा था नहीं अब दिए में ज्यादा रोशनी होती नहीं कीड़े मकोड़े और आते हैं तो रात में खाना खाने में डर रहता था कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा हो खाने में गिर जाए फूड पॉइजनिंग हो जाए इसलिए सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते जैन धर्म में बहुत क्लियर बात है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना अब आज एयर कंडीशन रूम है एलईडी लगी पड़ी है आज वो दिक्कत थोड़ी है तो एक एंगल तो हो गया ये वाला कि उस जमाने में सूर्यास्त के बाद नहीं खाते थे कीड़े मकोड़े और ये रीजन था इवन मुझे याद है बीस पच्चीस साल पहले हम गाँव जाते थे हमारे यहाँ भी गाँव में सात बजे तक सब खाना खा के सो जाते थे क्योंकि लाइट वाइट की प्रॉब्लम होती थी उस समय कौन बनाएगा कुछ गिर जाए कीड़ा मकोड़ा गिर जाए दूसरा कंसेप्ट जैन धर्म में जो साइंटिफिक है एक तो मैंने बताया ये रीज़न दूसरा साइंटिफिक रीजन जो है कि सुबह अगर आप पाँच छः बजे उठते हो तो बारह घंटे का डाइजेशन आपको पूरा मिल जाता है अगर आप सात आठ बजे खाना खा लेते हो और खाने और सोने में तीन चार घंटे का जब गैप होता है तो आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है खाने और सोने में साइंस भी कह रहा है कि तीन चार घंटे का गैप होना चाहिए सात बजे खा लोगे और दस बजे मान लो सो जाओगे डाइजेशन भी पूरा रहेगा और खाना रात में डाइजेस्ट हो जाएगा आपको पेट की बीमारियां नहीं होंगी साइंटिफिक लॉजिक देखें तो जैन धर्म सही बात कह रहा है ठीक है पर जो मेन कारण लाइट वाला था उस समय के जमाने सब जमाने में साइंस मान लो बहुत नहीं भी थी तो मेन कारण उस समय लाइट का था पर बुद्धा है मध्य मार्गी इसलिए बुद्धिज्म में ज्यादा लोग जुड़ते हैं कि एक आम व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ में रहकर भी बुद्धिज्म अपनाना चाहे तो बुद्धिज्म में कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं है वो नॉर्मल लाइफ के साथ भी अपना सकता है एक नॉर्मल लाइफ में रहकर भी बहुत त्याग की बात नहीं है एक नॉर्मल व्यक्ति भी बुद्धिज्म को अपना सकता है इसलिए बुद्धिज्म के फॉलोवर ज्यादा तो दो एक्सट्रीम है चारवाक अलग थ्योरी है महावीर अलग इन दोनों के बीच में बुद्धिज्म ये दर्शन भी अपने आप में बड़ी बात है चारवाक को भी अब अलग से पूरा टॉपिक डिस्कस करूँ ये तो मैंने एक जिस्ट बता दिया कि आप एक भोग के तौर पर समझ सकते हो पर इसके बारे में बहुत बातें करने के लिए एक ही लेक्चर में सारा नहीं हो सकता ये बहुत त्याग की बात है ये समझ लो भोग की नीति फिलहाल ये समझ लो ये इनके बीच का रास्ता है मध्य मार्गी तो बुद्धा कहते हैं वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स अब बुद्धा की कोर टीचिंग क्या है संसार दुखों से भरा है वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स सफरिंग है इच्छाओं के कारण सफरिंग्स आर कॉस्ट ड्यू टू डिजायर्स। इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल सफरिंग्स इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल सफरिंग्स यू मस्ट हैव टू कंट्रोल योर डिजायर्स यू मस्ट हैव टू कंट्रोल योर डिजायर्स और ये डिफिकल्ट काम है फॉर दैट यू कैन फॉलो अष्टांगिका मार्ग अष्टांगिका मार्ग जिसे कहा जाता है एट होल्ड पाथ एट होल्ड पाथ ये बोलते हैं तो बुद्धा के टीचिंग्स क्या है संसार दुखों से भरा है दुखों का कारण इच्छाएं कि तुमने खरीदी ऑल्टो बगल में आ गई मर्सिडीज तुमने खरीदी मर्सिडीज दूसरा ले आया कोई और गाड़ी तुम रॉल्स रॉयस ले आए पड़ोसी वो ले आया प्राइवेट जेट तो संसार दुखों से भरा है दुखों का कारण है इच्छाएं और अगर तुम्हें दुखों पर नियंत्रण करना है अगर तुम्हें, दुखो पे है, तो तुम्हें, अगर तुम्हें दुखों पर नियंत्रण करना है तो तुम्हें इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर तुम्हें दुखों को कंट्रोल करना है तो तुम्हें इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा इसके लिए मैं तुम्हें बताता का मार्ग इसके लिए मैं तुम्हें देता हूं अष्टांगिका मार्ग अष्टांगिका मार्ग का मतलब है पाथ इसके लिए मैं तुम्हें देता हूं एट फोल्ड पाथ अष्टांगिका मार्ग अब इसको लेकर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग गुरुओं की अलग अलग थ्योरी है अब कुछ लोग इस चीज़ पे कहते भी हैं कि बुद्धा का जो पॉइंट है वो बड़ा सा नेगेटिव सा लग रहा है कि संसार दुखों से भरा है दुखों का कारण इच्छाएं तो जब हर तरफ दुखी दुख है तो लाइफ का मोटिव ही क्या है फिर इंकरेजमेंट कैसे आएगा कुछ थिंकर ये कहते हैं कि जब हर तरफ दुखी दुख है तो फिर इंकरेजमेंट कहाँ से आएगा जब ये भी दुख है वो भी दुख है हर तरफ दुखी दुख है लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं लग रहा है तो फिर हमारा जन्म हुआ ही क्यों है बहुत नेगेटिविटी से फील हो रही है जैसा लग रहा है ठीक है तो अलग अलग थिंकर अलग अलग बात रखते हैं मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना पढ़ोगे आपको कई डायमेंशन दिखाई देंगे जैनिज्म कहता है जैनिज्म एक थ्योरी देता है श्यादवाद जैन धर्म में कंसेप्ट श्यावाद का मतलब थ्योरी ऑफ मे बी कि हर चीज को एब्सोल्यूट सेंस में हम बिल्कुल सत्य जान लें ऐसा नहीं होता एवरीथिंग हैव मेनी साइडेडनेस मेनी डायमेंशन समटाइम्स अवर नॉलेज मे नॉट परमिट टू गो बियॉन्ड दैट कहने का मतलब है कि हर चीज के कई आयाम हो सकते हैं जरूरी नहीं कि हमने सब जान ही लिया हो हमने सब समझ ही लिया हो या हमारी एक लाइन से आप सारे मतलब निकाल लो हर चीज के कई डायमेंशन हो सकते हैं कई तरीके से बात को सोचा जा सकता है हर चीज को बहुत एब्सोलूट सेंस में जानना कि जो आपने जान लिया वो हंड्रेड परसेंट इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता ऐसा नहीं है हर चीज के कई एंगल हो सकते हैं सियादवाद की थ्योरी इसको थ्योरी ऑफ मे बी या इसको अन एकांतवाद भी कहते हैं अन एकांतवाद जैन धर्म की थ्रो है ये तो जब जैनिज्म पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा अभी मैं तो ये कहते हैं कि इच्छाओं को कंट्रोल करना है तो ये रास्ता है अष्टांगी का मार्ग जिसे एट फोल्ड पाथ कहते हैं कि ये कंट्रोल इससे तुम कंट्रोल कर पाओगे तो एट फोल्ड पाथ में क्या कहते हैं सही व्यवहार रखना राइट ऑब्जर्वेशन चीजों को ठीक परिप्रक्ष में देखना ठीक तरीके से ऑब्जर्व करना चीजों पर ध्यान देना सही ऑब्जर्वेशन करना दृढ़ निश्चय होना राइट डिटर्मिनेशन सही राइट स्पीच सही बात कहना जो बोलो तोल मोल के अच्छा बोलो शब्दों का मतलब होता है कई बार शब्दों के बड़े गहरे मतलब होते हैं कि आप बोल तो जाते हो सामने वाले के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है तो आप जो बोलें बहुत सोच समझ के बोलें और टीचर के लेवल पर यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है राइट स्पीच तो देखो कब उस समय बोला है बुद्धा ने और आज भी लागू है ये बात राइट right कंडक्ट सही व्यवहार रखना राइट लिवलीहुड आजीविका जो चलाई जाए वो जितनी जरूरत है उतना ही चलाई जाए तो मोंक जो उतनी ही भिक्षा लेते थे जितने से काम चलना है हीरे जवाहरात मोती ये सब चीजों के लिए बुद्धा ने मना किया हुआ था कोई भिक्षा में तुमको हीरे जवाहरात दे वो एक्सेप्ट नहीं करना सिर्फ उतना ही लेते थे एक घर से जो मिल गया जितना मिल गया उतने में काम चलता था एक घर पे भिक्षा के लिए गए जितना मिल गया उतने से काम चलता था और पूरे साल में केवल बारिश के समय ये लोग रुकते थे कहीं पर बाकी लगातार ट्रैवल करते थे बुद्धा की अच्छी फिजिक थी अच्छी बॉडी थी अच्छी हेल्थ थी कहा जाता है कि 20 से 30 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करते थे बुद्धा और उनके जो माउंट्स थे 20 से 30 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करते थे और पूरे साल ट्रैवल करते थे केवल बारिश के टाइम पर रुकते थे कहीं बस जो बारिश का दोढ़ाई दो से तीन महीने का समय होता है सिर्फ उतने समय रेस्ट करते थे पूरे साल में तो राइट कंडक्ट राइट लिवलीहुड राइट मेमोरी राइट एक्सरसाइज एंड राइट मेडिटेशन बुद्धा का जो मेडिटेशन भी है उसके दो दो नाम है एक है समाथा समाथा एंड विपासना मेडिटेशन के भी ये दो फॉर्म है समाथा एंड विपासना बुद्धा वाला विपासना में क्या करना होता है ब्रीथ के ऊपर फोकस करना होता है सांस जो हम ले रहे हैं उसमें उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है कि ब्रीथ आ रही है जा रही है विचार आएंगे जाएंगे तो ब्रीथ पे पूरा फोकस होता है विपासना तो समथा और विपासना वो मेडिटेशन का तरीका है बुद्धा वाला वही हालांकि विपासना नाम उन्होंने नहीं बोला है विपासना नाम उन्होंने नहीं बोला है वो ध्यान वर्ड यूज़ करते थे वो विपासना शब्द नहीं बोलते थे वो ध्यान शब्द बोलते थे तो ध्यान बेसिकली दो क्रियाएं हैं बुद्धा रिलेटेड फिर उन्होंने मॉन्क्स के लिए क्या नियम बनाए संघ में जो मॉन्क्स रहेंगे उनके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए किसी की प्रॉपर्टी को नहीं हड़पना वायलेंस नहीं करना इन नशे में नहीं पढ़ना झूठ नहीं बोलना और करप्ट प्रैक्टिस में नहीं पढ़ना वर्धमान महावीर के भी इनमें से कुछ कॉमन है वो भी कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं लेनी वायलेंस नहीं करना झूठ नहीं बोलना इसके अलावा दो उनके और हैं एक उनका है ब्रह्मचर्य एक उनका कंसेप्ट है ब्रह्मचर्य का और एक है चोरी नहीं करना डू नॉट स्टील अस्तेय वो जैन धर्म में बात करेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट मॉन्क्स के लिए बुद्धिज्म कहता है ये नियम है मॉन्क्स के लिए पर मॉन्क्स ने इन चीजों को नहीं माना इनमें पड़ गए इसीलिए बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ बुद्धिज्म के डिक्लाइन का यही कारण है क्योंकि बुद्धिज्म इन चीजों को आगे जाके मॉन्क्स ने फॉलो नहीं किया बुद्ध बहुत बुद्ध मूर्ति पूजा को मना करते थे आगे जाके बुद्धा की मूर्ति बना के पूजा कर ली समझ आ गया और एक बात एक शब्द मैं आपको और बताता हूं जिसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को मैं कोशिश करता हूं समझाने की बोधिस बोधिस बुद्धिज्म में आपने कई लोगों की मूर्ति देखी होगी जैसे अलवक्तेश्वरा एक तो है अलवक्तेश्वरा पदम पानी अलवक्तेश्वरा उनका नहीं आ, ऐसा कुछ नाम है अल्बो के तशर्वा ऐसा करके कुछ नाम है स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना एक है पदम पानी पदम पानी तो ये लोग जो हैं ये बुद्धा के बाद के हैं बुद्धा के बाद के हैं पर इनकी भी मूर्तियां हैं इनकी भी पूजा होती है एक मैत्रेय नाम सुनोगे एलोविक एलोविकेश्वरा वे, एक ये हैं, पदम पानी है मैत्रेय ऐसे नाम आपको मिलेंगे कुछ तो इनकी भी मूर्तियां आप देखोगे इनकी भी पूजा होती है और बुद्धा की पूजा अलग से करते हैं लोग जबकि बुद्धा खुद मूर्ति पूजा मना करते थे क्या अंतर है बुद्धा में और बोधि सत्वा में बुद्धा तो सिद्धार्थ को आप बोल रहे हो सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्धा बोधि सत्ता कोई व्यक्ति नहीं है बुद्धि सत्वा कोई व्यक्ति नहीं है इससे रिलेटेड कंसेप्ट में इनके नाम बोल रहा हूं इनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई बाद में बुद्धा को कई बार कुछ लोग शेल्फीज बोल देते हैं कि बुद्धा ने खुद निर्वाण पाया और बाकी लोगों की चिंता नहीं की कि बुद्धा ने खुद निर्वाण पा लिया और बाकियों की चिंता नहीं की आगे जाके जब बुद्धिज्म आया तो मॉन्क्स में यह बात उठी कि बुद्धा को खुद को तो निर्वाण मिल गया बाकी को तो नहीं मिल पा रहा तो बाकी जो मॉन्क्स थे एक नया कंसेप्ट आया महायान आगे जाके बुद्धिज्म में बदलाव हुआ तो जो ओरिजिनल बुद्धिज्म के फॉलोअर थे वो हिन्यान ये कल के टॉपिक में आएगी बात और जो नए जिन्होंने समय के साथ अपनी सोच बदल ली वो हो गए महायान

मूर्ति के साइज़ को, को देखकर बहुत ग्लैमरस वो देखकर बहुत शानो शौकत देखकर आप अट्रैक्ट होते हो परमात्मा तो छोटी मूर्ति में भी बड़ी मूर्ति में भी है तो आपकी श्रद्धा मूर्ति और श्रृंगार को देखकर हो रही है अपने आप से पूछिए ये फील मन में होता है कि नहीं होता ठीक है तो बोधि सत्वा ये जो कंसेप्ट है ये ऐसा कंसेप्ट था कि एक गुरु है उसने बुद्धिज़्म के नियम फॉलो कर लिए मान लिए अब जब वो निर्वाणा के स्टेज तक आ गया है तो वो इस चीज को अगले को ट्रांसफर कर देगा और फिर दोबारा उसी प्रोसेस में लग जाएगा अपने मेडिटेशन वगैरह में फिर जो अगला वाला है वो जब एक लेवल अचीव कर लेगा वो अगले को जैसे ओलंपिक में क्या होता है भागते हुए आ रहे हैं मसाल लेके दूसरे को मसाल पकड़ाई वो लेके मसाल भाग रहा है फिर तीसरे को मसाल ही चौथे को वो भाग रहा है उस मसाल को लेके तो बौद्धिसवा इस तरह का कंसेप्ट है कि एक गुरु जो है वो जब निर्वाण के स्तर तक आ जाए फिर दूसरे को ट्रांसफर करे फिर वो थोड़ा ग्रो कर जाए फिर तीसरा मतलब सबको निर्वाण के रास्ते पर लाए कि सबको जो है पूरी कम्युनिटी सब लोग निर्वाण पाले एक कम्युनिटी का कंसेप्ट है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व जो जो गुरु हुए हैं ऐसा करने वाले कुछ कुछ लोगों के नाम ये हैं बोधिसवा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बोधिसत्वा ये कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ मेरिट बोधिस व्यक्ति का नाम नहीं है एक लेवल पा लिया अब मैं वो पूरी चीज कर रहा मतलब ही है कि हम कई लोगों का लेकर वेलफेयर कर रहे हैं सबको लेकर निस्वार्थ सेवा बोधिस का मतलब है निस्वार्थ सेवा करना कि पढ़ूंगा मैं और पेपर तुम्हारा निकल जाएगा मैं दिन रात बैठ के सारा सिलेबस खत्म करूंगा फिर वो पूरा ज्ञान मैं तुमको दे दूंगा मतलब पढ़ूंगा मैं क्वालीफाई तुम करोगे फिर तुम पढ़ोगे मेहनत करोगे तुम वो ज्ञान उसको दे दोगे तीसरा क्वालिफाई कर जाएगा ऐसे करके सब क्वालिफाई कर जाएंगे और बुद्धिज्म में वो नहीं था बुद्धा तो कह रहे हैं तुम अपने आप करो सब कुछ करो बुद्धा कह रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा पेपर निकलेगा तुम पढ़ोगे तुम्हारा पेपर निकलेगा मैं ये चीज ट्रांसफर थोड़ी कर सकता हूँ मेरिट तो बुद्धा वाले कंसेप्ट में ये अंतर है और बुद्धि सत्वा में क्या है ट्रांसफर ऑफ मेरिट कि मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा तुम उसको ट्रांसफर करोगे हम सब आगे बढ़ जाएंगे तो ये महायान बुद्धिज्म है मतलब थोड़ा आसान सबसे आसान काम क्या है मूर्ति लगी है या किसी की पूजा करनी है सरेंडर हो जाओ जाकर और बुद्धा वाले कंसेप्ट में मेहनत करनी पड़ती थी बुद्धा वाला जो रूल है उसमें मेहनत करनी पड़ती थी तो उसको आसान करने के लिए महायान बुद्धिज्म बन गया बुद्धा के ना रहने के बाद हिनयान तो वही थे जो कठोर परिश्रम करते थे बुद्धा का कहा हुआ पर महायान और लिबरल हो गए कि जैनिज्म के मुकाबले बुद्धिज्म पहले लिबरल था महायान और समय के साथ लिबरल हो गए क्योंकि सी बात है समय बीतता जाता है लोगों की मेहनत करने की क्षमता कम होती जा रही है तो अपने हिसाब से बुद्धिज्म में चेंज कर दिया बोधिसवा कंसेप्ट ले आए कि मोक्ष तो हमें चाहिए पर मेहनत तो अब हमें कम करनी है तो सीधे मूर्ति के सामने लेट जाओ अपने आप मोक्ष मिल जाएगा और मोक्ष हमें मिलेगा मेहनत हमारे लिए कोई और कर रहा है निस्वार्थ सेवा चल रही है यह बोधिसवा कंसेप्ट है नहीं आया समझ शैलेंद्र बुद्धा देखो यही दिक्कत है समझाने में सेल्फिश जो मैं शब्द तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूं वो सेल्फिश मैं कोई ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं कि बुद्धा केवल अपने लिए सोचते थे ये बहुत मैटर करता है कि किस क्राउड को आप पढ़ा रहे हो वो क्राउड कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करता है कि नहीं मैं जिस फ्लो में चीज़ों को बोल रहा हूं सेल्फिश का मतलब यहां पर यह नहीं है कि बुद्धा केवल अपने लिए सोचते थे सेल्फिश का मतलब ये है कि बुद्धा ये कहते थे कि मैं जो मेडिटेशन करूंगा मैं जो चीज़ें फॉलो कर रहा हूं उससे मैं ही मुक्ति पा सकता हूं मेरे किए हुए से तुम नहीं पाओगे अब बोधि सत्ता वाला वा कोई व्यक्ति सोचेगा तो क्या सोचेगा कि बुद्धा सेल्फिश थे भाई ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर हो सकता है और बुद्धा कह रहे हैं ट्रांसफर नहीं हो सकता तो ये बुद्धा को क्या मानेंगे मैं ये बोल रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं सेल्फिश है ये कहेंगे बुद्धा को सेल्फिश है कि वो बस अपना उत्थान किए क्योंकि ये अपने कंसेप्ट को मान रहे कि हमारे कंसेप्ट से पॉसिबल है वो है कि नहीं अलग बात है पॉइंट समझ आ रहा है अच्छा पढ़ाने के लिए जरूरी है कि कुछ भी लेवल पढ़ा दो सामने बैठी जनता कैसी है बुद्ध और कबीर में एक बेसिक अंतर है बुद्ध लोगों को आसानी से समझ में आते हैं क्योंकि बुद्ध सामने वाली जनता को देख कर पढ़ाते हैं उसका लेवल कैसा है मोहम्मद साहब को जिस क्राउड को डील करना था जिस क्राउड को समझाना था उन्होंने उसके हिसाब से बात कही है अल्टीमेटली देखो कि कोर फिलाोसफी सब धर्म एक बात कर रहे हैं पर क्राउड अलग अलग क्राउड के हिसाब से चीजें लिखी गई हैं बुद्धा का जो ज्ञान है वो उस क्राउड के लिए है पैगंबर मोहम्मद साहब का जो ज्ञान है वो उस क्राउड को डील कर रहे थे तलवार उठानी पड़ गई थी उनको तो अलग अलग किस क्राउड को आप जैसे पांचवी क्लास के बच्चे को तो मैं ये नहीं बता सकता जो पढ़ा रहा हूँ सिविल्स वाले को पढ़ा रहा हूँ तो वैसा एक्सपेक्ट करूंगा ठीक है किसको आप बात कर रहे हो या किसी में साधु महात्मा से बात करूंगा तो कुछ और बात करूंगा पॉइंट समझ आ रहा है तो ऑडियंस अलग अलग तरीके की है कबीर का ज्ञान कबीर अपने लेवल से ज्ञान देते हैं वो खुद जिस लेवल पे हैं उस लेवल से ज्ञान देते हैं इसलिए कबीर की बहुत गूढ़ बातें आम जनता को पल्ले ही नहीं पड़ती जबकि कबीर का ज्ञान बहुत ऊपर के लेवल का ज्ञान है आगे मैं कोशिश करूंगा क्योंकि सीरीज बहुत अच्छी चल रही है मेरी कोशिश है कि मैं और भी पढ़ाऊं इसमें मुझे खुद मतलब मैं खुद इंजॉय कर रहा हूं तो कबीर जो है कबीर अपने लेवल से ज्ञान देते हैं तो आधे लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ता जैसे तुम सेल्फिश वर्ड पकड़ लिए यहां पर ठीक है कबीर की जो बातें हैं बहुत गूढ़ बातें हैं उनको समझने के लिए फिर आपको पूरा पूरा रिसर्च करनी पड़ जाएगी एक एक शब्द के ऊपर जैसे क्या होता है कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसको वो देख रहा है क्लास में सबसे कमजोर बच्चा कौन है उसको समझ में आ जाए बिल्कुल लेवल डाउन करके उस बच्चे को अच्छा टीचर कौन है मैं जो मानता हूँ कि क्लास में सबसे कमजोर जो बच्चा है यदि उसको समझा ले गए तो पूरी क्लास को समझ आ जाएगा मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता भी था तो मैं यही टारगेट करता था दो तीन क्लास में पता चल जाता था कि वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो यदि हम उसको समझा ले गए तो बाकी क्लास हम समझ जाएगी अपने आप यदि कबीर को आप पढ़ोगे तो कबीर अपने लेवल से समझाना शुरू करते हैं जिसको समझ आए चाहे जिसको समझना आए जिसको समझना है प्रयास करे क्लियर हो गई बात और कबीर का ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ऊपर लेवल का ज्ञान है तो देखो मैं थोड़ी उम्मीद ये कर रहा हूं ना कि अब थोड़ा सा मैं लेवल शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ तुम्हारा तो थोड़ा सा बिहेव भी वैसे करो बहुत एक आम भाषा या एक बहुत आम लेवल कुछ भी कह देना थोड़ा सा सोच के बोलो जो कहो क्वेश्चन पूछो एनालिसिस करो डिबेट जितनी करनी है करो अच्छा क्वेश्चन पूछो कि मुझे अच्छा फील हो सेल्फिश वर्ड को सेल्फिश पकड़ के बैठ गए जो जो सेक्शन दूसरे को नहीं मान रहा वो उसको तो सेल्फिश ही मानेगा ना यार क्लियर है तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है बात इतनी चलो कल फिर इसके आगे अब हम आ, डिस्कस करेंगे क्योंकि एक ही बार में अगर खाना ज़्यादा हो गया तो डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा ठीक है चलो क्लास कल फिर प्रोसीड करेंगे इसके आगे और मैं कोशिश करूंगा कल बुद्धिज़म आप कंप्लीट हो जाए और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके वो बता दें ठीक है चलो क्लास गुड नाइट गुड नाइट ऑल ऑफ यू कल भी टाइम यही है नौ बजे थैंक यू ऑल इन्वायरमेंट जो चल रहा है सात बजे वाली क्लास में आज मैंने सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन कराए हैं कल थर्ड चैप्टर शुरू होगा कल उसमें थर्ड चैप्टर शुरू हो जाए कबीर सेल्फिस नहीं है भाई कबीर का अपना तरीका है डील करने का जब कबीर पे बात होगी तब उनके बारे में बात करूँगा मैं ठीक है क्लास थैंक यू थैंक यू ऑल